गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में। आज का वेबिनार बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि एक तो ये लोकल लैंग्वेज में कर रहे हैं और दो एसोसिएशन है, ऑफशोर प्रिंटर एसोसिएशन और मुंबई मुद्रक संघ मिलके कर रहे हैं। वेबिनार शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि जो कल और परसों वेस्ट बंगाल में हुआ, हमारे प्रिंटर भी डिस्टर्ब हुए और डेफिनेटली देयर वाज सम डेथ्स आल्सो, और कुछ लोग कोरोना के काफी डेथ हुए। तो आई विश वी शुड कीप ए साइलेंस ऑफ 1 मिनट बिफोर स्टार्टिंग इट। सो आई विल रिक्वेस्ट 1 मिनट साइलेंस फॉर ऑल। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली हम लोग उनके साथ हैं, जो भी हो रहा है वेस्ट बंगाल में, हम वेरी मच इन टच विद देम। और अभी हमें भी सबको सेफ रहना चाहिए और गवर्नमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शन है वो माननी चाहिए। स्पेशली जो न्यू नॉर्मल के अंदर गवर्नमेंट ने फैक्ट्री चलाने के लिए या घरों में रहने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उनको मानना अति आवश्यक है। ये नहीं है कि ये गवर्नमेंट के रूल हैं, ये हमारी प्रोटेक्शन है। अभी जैसे धीरे धीरे काम शुरू हो रहा है, आप ये ना सोचें कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। गवर्नमेंट ने चाहे अलाउ कर दिया हो, हमें कोरोना ने अलाउ नहीं किया। बीमारी अभी है तो हमें सेफ रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, खुद को भी, अपनी फैक्ट्री को भी, घर को भी, और जिस तरह भी हो सके सेफ रहने की कोशिश करें। आज का वेबिनार, हम जैसे आप जानते हैं कि ऑफसेट प्रिंटर एसोसिएशन ने ये एक मिशन शुरू किया था 7 अप्रैल से। हमारा मकसद था कि अब लोग जो अपने घरों में खाली बैठे हैं, इस टाइम का पूरा सदुपयोग कर सके, उसके सदुपयोग करते हुए अपने भविष्य को प्लान कर सके। देखने में भी आया कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, कुछ हैबिट लोगों की चेंज हो रही है, और डेफिनेटली जो अभी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है न्यू नॉर्मल की, अगर उसके अनुसार हम फैक्ट्रियां चलाएंगे तो बहुत कुछ बदलने वाला है। ये भी देखने में आया कि कमर्शियल प्रिंटिंग श्रिंक हो रही है और जो न्यूज़पेपर हैं वो लोग, उन लोगों ने कमर्शियल प्रिंटिंग को करना शुरू कर दिया है। अभी मेरे पास एक छोटी सी एड है जो अभी पिछले दिनों, आई वुड लाइक टू शेयर इट। ये देखिए, दैनिक भास्कर की एड है, इन्होंने प्रिंटिंग का काम मांगना शुरू कर दिया। जब अखबार कमर्शियल प्रिंटिंग का काम करेंगे तो फिर प्रिंटर क्या करेंगे? डेफिनेटली आपका कंपटीशन बढ़ने वाला है। और जो हमने देखा है पहले भी, प्रिंटर्स अपना रेट सिर्फ इसी बात पर डिसाइड करते थे मार्केट रेट क्या है, किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। जबकि एक सर्वविदित फैक्ट है कि जब तक हमें अपनी कॉस्ट नहीं पता, हमें माल का बेचने का हक भी नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि एक चीज हमें कॉस्ट क्या कर रही है और किस भाव में इसको बेच रहे हैं। इसी चीज को ध्यान रखते हुए मैंने आज का ये वेबिनार प्लान किया है कि प्रिंटर अपनी कॉस्ट को जाने। दूसरी बात, अब जैसे फाइनेंस की कमी आएगी, डेफिनेटली लिक्विडिटी कम होगी, तो फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। तीसरी बात, गवर्नमेंट की स्कीमें, गवर्नमेंट किस तरह से हमें सहायता कर रही है या की है उन्होंने, या पहले से गवर्नमेंट की कौन सी स्कीमें हैं जिससे के हमारी इंडस्ट्री, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री नहीं बाकी इंडस्ट्री भी फायदा उठा सकती है। इन सब चीजों को देखते हुए हमने आज का ये वेबिनार प्लान किया है। तो इस वेबिनार को
कंडक्ट करने के लिए आज के जो हमारे मॉडरेटर हैं वो बहुत ही ज्ञानी आदमी हैं और हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन की गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं। वो इस समय जनरल सेक्रेटरी हैं मुंबई मुद्रक संघ के और बहुत बड़ी इनकी प्रेस है, ऑनलुकर प्रेस के मालिक भी हैं। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा, मिस्टर मेहुल शाह, वो इस आज की प्रोसीडिंग को शुरू करें। मिस्टर मेहुल शाह प्लीज। धन्यवाद कमल जी फॉर द इंट्रोडक्शन। एंड बहनों और भाइयों, आप सबका ओपीए और एमएमएस की तरफ से तहे दिल से स्वागत है। एंड शुरू करने से पहले ऊपर वाले से दोनों एसोसिएशन की तरफ से हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वी कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से हम जल्द से जल्द बाहर निकले, हमारी प्रिंटिंग प्रेसेस सब उसी तरह जोर शोर में फिर से शुरू हो जाए। इस पॉजिटिव नोट से आज के हमारे पहले स्पीकर का मैं इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा, श्री उदय धोते जी। उदय जी इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम पोदार कॉलेज मुंबई एंड ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ही इज द गो टू पर्सन इन द इंडस्ट्री फॉर ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू फाइनेंस एंड टैक्सेशन। करेंटली वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग AIFMP ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स के चेयरमैन हैं, फाइनेंस एंड टैक्सेशन मुंबई मुद्रक संघ के चेयरमैन हैं एंड ही इज करेंटली द एडिटर ऑफ द प्रिंट बुलेटिन। उनका बिजनेस धोते ऑफसेट टेक्नोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के उदय जी डायरेक्टर हैं, जो कि गोरेगांव में द फैक्ट्री इज इन गोरेगांव इन मुंबई एंड ही हैज बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन डॉट्स ग्रोथ as a systems driven company. Third generation in the family and he has an experience of more than 30 years, more than 3 decades in this industry. Dil se to wo ek teacher hain and his passion for education has motivated him to start the DOT Institute of Graphic Communication just about 2 years ago in 2018. And the idea to start this is to sharpen the skills of the print graduates and make them industry ready. And this institute now successfully runs a PG diploma, a postgraduate diploma in print management for the students who opt to go in for the family-owned printing businesses. And this institute has seen students coming from all the way from Jammu, Indore, Surat, Hyderabad, Pune, and so many places through the length and breadth of the country. So for the first part of the session, I'd like to call Uday to give his presentation on finance. Uday, manch aapka. धन्यवाद मेहुल और थैंक यू कमल जी, ये सब सब्जेक्ट्स पे आप ये अरेंज कर रहे हैं लगभग एक डेढ़ महीना से, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप नॉलेज स्प्रेड करने का, जो मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। ये दोनों विषय पर फाइनेंस पे हम ओपीए ने 24 अप्रैल को एक ऑर्गेनाइज किया था और कॉस्टिंग पे 17 मई को ऑर्गेनाइज किया था, बट कमल जी की रिक्वेस्ट आई मेरे को परसों कि एक हिंदी में थोड़ा करें, क्योंकि वो दोनों समय पर टाइम कम मिला था बात करने का, तो एक तो टाइम भी थोड़ा ज्यादा मिले और हिंदी में करें। अभी हमारी हिंदी तो थोड़ी बम्बैया हिंदी है, आप संभाल लेना। जैसे कि आज का विषय है मैनेजिंग फाइनेंस एंड कॉस्टिंग। सर मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। सो मैनेजिंग फाइनेंस एंड कॉस्टिंग इन न्यू नॉर्मल, ये विषय दिया हुआ है। इसका अगर हम हिंदी में लिटरली ट्रांसलेट करें तो नए सामान्य में वित्त और लागत का प्रबंधन, तो ऐसे अगर मैं हिंदी बोलूंगा तो मुझे भी नहीं समझेगा, शायद आपको भी नहीं समझेगा। तो स्लाइड्स इंग्लिश में है और थोड़ा हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा, कुछ नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन सेशन में हम लोग ले लेंगे आप। सो लेट अस स्टार्ट। जो सीख मिली है पहले के पूरे ये महीने में हम लोग जो वेबिनार्स अटेंड किए और जो बैठ के सोचे हैं हम लोग, उससे ये सीखे मिले हैं लॉकडाउन से, वो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक तो की लर्निंग्स फ्रॉम लॉकडाउन इसे बोलते हैं हम। पहले तो हम लोग ये समझ गए कि एक युद्ध पूंजी हमें बाजू में रखनी चाहिए, कोई भी संकट परिस्थिति में एक पूंजी जमा होनी चाहिए, तो हमारे ही रेवेन्यू में से थोड़ा परसेंटेज हमें बाजू रखना चाहिए कोई भी संकट के लिए।
दूसरे ये है कि जो कैश फ्लो हमारी है, हर एक प्रिंटर मैंने हमेशा देखा है लाइफ में कि हर एक प्रिंटर एक सबसे बिजी आदमी होता है। आप उनसे बात कीजिए क्या भाई क्या चल रहा है, तो वो बोलेगा बहुत बिजी है। बट आप पूछेंगे धंधा कैसा है, तो बोलेगा यार डाउन है। डाउन धंधा है तो भी बिजी रहता है, क्यों? क्योंकि वो इतने माइक्रो मैनेजमेंट में जाता है प्रिंटर कि कैश फ्लोज वगैरह ये मैनेज करने का भूल जाता है। आज हम लोगों को समझ में आया कि कैश फ्लो भी मैनेज करना सबसे इम्पोर्टेंट हो गया आज बिजनेस में। तीसरी बात यह है कि कॉम्पिटिटिव रहने के लिए हमें हमारे खर्चों पर लागत पर कंट्रोल करना चाहिए और ज्यादा उत्पादन बढ़ाना चाहिए। ये दोनों से क्या होगा, हम ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे मार्केट में। चौथी चीज ये है कि कोलैबोरेट करना चाहिए, हमें दूसरे प्रिंटर्स की या दूसरे जो फैब्रिकेशन वगैरह करते हैं उनसे हमको सहायता लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सभी हमारे पास सब एक्टिविटीज या सब डिपार्टमेंट्स हमारे पास हो, कुछ डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे हमारे पास, उदाहरण अर्थ लैमिनेशन हो, पंचिंग हो, तो वो दूसरे प्रिंटरों के साथ, दूसरे लोग जो ये सर्विस देते हैं उनके साथ सहायता लेके करना चाहिए काम। कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड कंटिन्यूसली, ये संवाद हमारा ना सब लोगों से, चाहे वो बैंकर्स हो, चाहे हमारे क्लाइंट्स हो, चाहे हमारे सप्लायर हो, या शेयर होल्डर्स हो, सबके साथ हमें संपर्क बनाए एक संवाद चालू रखना चाहिए, अच्छी तरह से संवाद चालू रखना चाहिए। वर्चुअल इज टुडेज रियलिटी। आज आपने देखा ये मीटिंग भी हम आज वर्चुअली कर रहे हैं, किसको मालूम था कि ऐसे हम लोग 100-200 लोगों को, 100-200 ऑडियंस को भी हम लोग वर्चुअली मिल सकेंगे। शायद कल हमारा क्लाइंट से भी जो मुलाकातें होंगी वो वर्चुअल हो सकती है। शायद हम कल जो डेमोन्स्ट्रेशंस हमारे प्रोडक्ट्स के देंगे आने वाले दिनों में, वो भी वर्चुअल हो सकती। तो ये अपने जिंदगी का हिस्सा हो गया वर्चुअल वर्ल्ड। और सातवां पॉइंट ये है कि डिजिटल प्रेजेंस एक नया वास्तव्य हो गया है, क्योंकि आप देखिए सोशल मीडिया पे होना आज जरूरी हो गया है। जो भी हम अगर प्रिंटिंग का व्यवसाय कर रहे हैं, एक्चुअल वो ब्रिक एंड मोर्टर है, बट जो प्रेजेंस है जहां से बिजनेस खींचा आएगा वो है सोशल मीडिया से, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक नॉर्मल, ये दोनों भी नहीं है तो एक अच्छी सी वेबसाइट होनी तो जरूरी है, क्योंकि जो बिजनेस आएगा ना नया, वो नया बिजनेस यहाँ से ही अपना खींचा जाएगा। तो एक डिजिटल प्रेजेंस भी एक नया महत्वपूर्ण ये हो गया है। एंड फोकस ऑन सेफ्टी, हाइजीन और हेल्थ, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट हो गए, ये कोविड ने हमें सिखाया। तो ये हो गई हमारी लर्निंग्स, ये हम दिमाग में रख के अगर आगे जाए ना तो बेहतर होगा। मैंने एक दूसरा एक कॉइन किया है, थियरी ऑफ थ्री इन कोविड टाइम्स। तीन चीजें अभी कितने सारे इसमें ना, तीन चीजें ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो तीन चीजें इंपैक्ट हुई है वो है मेडिकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक। ये तीन चीजें इंपैक्ट हुई है मेनली, जो तीन सिनेरियोज अपने को रेडी रखना चाहिए। एक है ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और रियलिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी एक सिनेरियो, एक निराशावादी और एक एक्चुअल वास्तविक में क्या सिचुएशन हो सकती है, तीनों पे अपने को रेडी रखना पड़ेगा। तीन फेजेस है, एक है बिफोर लॉकडाउन क्या था, अभी लॉकडाउन के दौरान क्या है और लॉकडाउन के बाद में कैसा होगा। तीन एस्पेक्ट्स अपने सप्लाई चेन, यानी जो माल जाता है उसके सप्लाई चेन में तीन एस्पेक्ट्स है। एक रॉ मटेरियल भी प्रॉपरली आ पाएगा क्या, सब सप्लायर वेंडरों की दुकान खुलेंगे, रॉ मटेरियल हम लोग कोई कमिट कर दे कोई जॉब को, तो रॉ मटेरियल का फ्लो बराबर आएगा क्या, हम लोगों को माल भेजना है तो ट्रांसपोर्ट है ये वो सब फैसिलिटीज चालू है क्या, तो फिनिश गुड्स का फ्लो बराबर होगा क्या, और इन लोगों को जो चाहिए, जो कैश चाहिए, जो पेमेंट्स चाहिए, वो भी उसका फ्लो प्रॉपर है क्या। तो ये तीनों फ्लो इम्पोर्टेंट है आज। तीन वॉर रूम्स चाहिए, यानी युद्ध कक्ष बोल सकते हैं या इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स बोल सकते हैं इसको हम लोग। एक तो मार्केटिंग हो गया, क्योंकि आपका थोड़ा सेल्स कम होने वाला है तो नया मार्केटिंग स्टाइल, नया मार्केटिंग गिमिक्स हम लोग को आजमाना पड़ेगा। फिर सप्लाई चेन, और एक है फंड्स मैनेजमेंट। ये तीन वॉर रूम्स चाहिए। तीन मटेरियल चेक्स मेन इंपॉर्टेंट है कोई भी कॉस्ट बचाने के लिए। एक है वेस्ट मैनेजमेंट, फिर स्टॉक्स बराबर हमने पास, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए, ऑप्टिमम स्टॉक्स, और जो भी हो सके वो रिसाइकल होना चाहिए। तीन सेफ्टी मंत्र है, वो सब आप जानते हैं अभी, एक है फेस मास्क, एक है सोशल डिस्टेंसिंग और एक है सैनिटाइजेशन। तीन लेवल्स ऑफ प्रोग्रेशन,
तीन लेवल्स ऑफ प्रोग्रेशन। पहले तो हम लोग को लिक्विडिटी लाना है, पंपिंग कर रहे हैं, लिक्विडिटी प्रॉपर मेंटेन हो शॉर्ट टर्म में वो हम लोग देखेंगे, और फिर थोड़ा प्रॉफिट्स प्रॉपरली हो रहा है क्या वो देखेंगे, और ये दोनों जब भी हो रहा है बाद में हम लोग ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। तो एलपीजी जैसे कि गैस, एलपीजी गैस को कहा जाता है, तो ये एलपीजी प्रोग्रेशन है, लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं, तो पहले सर्वाइव होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। सर्वाइव होने के लिए पहला तो अगर कोई भी लॉसेस होता होगा या कोई नुकसान होता होगा यहाँ पर, तो वो अपने को स्टॉप करने का, फिर वो स्टॉप होने के बाद में हम लोगों को देखना है कि एनालाइज करना चाहिए बिजनेस, एक एक छोटा छोटा पॉइंट जो है वो सब एनालाइज करके बाद में अपना प्लान इंप्लीमेंट करने का। तो यह है अप्रोच सर्वाइवल का। क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए ये करते वक्त, अप्रोच टू सर्वाइवल करते वक्त क्या ध्यान में चीजें रखनी चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल्स। जो अपने हाथ में है वो हम लोग कंट्रोल करेंगे। पहला चीज ये है कि सर्वाइवल प्लान मस्ट बी प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेबल एंड फाइनेंशियली फीजेबल। जो हम लोग प्लान बनाएंगे वो प्रॉपर होना चाहिए, एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी दिमाग में हमारा कुछ आया और हम लोग ने ऐसी बना दिया, ऐसा नहीं। और इसमें कैश लॉस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी बजट बनाने की, बजट से जाने की बहुत आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी खर्चे कभी भी आ जाए, एक मंथली वीकली बजट बनाना बहुत जरूरी। हमारे कोई नॉन कोर एक्टिविटीज जो होंगे, जो हमारे नॉर्मल प्रोडक्शन प्रोसेस के नहीं है, लेकिन कोर एक्टिविटी नहीं है, हमारे बेसिक प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं है, उन पे जरा गौर करना चाहिए, और वो कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर ये एक्टिविटीज बाहर से हो सकती है किसी की, दूसरे की सहायता लेके, तो वैसा करना चाहिए अपने को। फिर हम लोग ने क्या मिस्टेक्स पास्ट में की है, इसके पहले हम लोग ने क्या मिस्टेक्स की है, वो उसके ऊपर गौर करके वो कम से कम वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो ये देखना चाहिए। जो पास्ट का डेटा है अपने पास, जो भी डेटा है, जैसे कि क्लाइंट्स, जो उत्पाद हम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स में हमने कम कमाया है, जो प्रोजेक्ट्स में हमने ज्यादा कमाया है, कौन से मशीन्स, कौन से एक्टिविटीज, कौन से डिपार्टमेंट्स अपने पास है, कौन से चाहिए अपने को, कौन से नहीं चाहिए, ये सभी पर गौर करना चाहिए। अभी गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलॉन्ग विथ फोकस बिजनेस, एक फोकस बिजनेस रख के प्रोडक्टिविटी अपना मैक्सिमम रख के, स्टैंडर्डाइज्ड और नया कुछ इनोवेशन होके, कॉस्ट भी अपने जो है कॉस्ट भी कंट्रोल में रख के, वेस्टेज मिनिमम रखेंगे, तो ही अपने को सक्सेस मिलेगा। तो ये बेसिस है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, हम लोगों को देखना पड़ेगा, डीप डाइव करना पड़ेगा, हर एक आइटम जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में है उसके अंदर अंदर से सोचना पड़ेगा, कंप्लीट अंदर जाके उसके अपने को सोचना पड़ेगा। उसको बोलते हैं डीप डाइव। देखते हैं अपने कौन से आइटम्स ऐसे इंपॉर्टेंट आइटम्स है P&L और बैलेंस शीट के। जो रेवेन्यू हम लोग को आता है, जो सेल्स और रिसीवेबल्स है, उस पर पहले फोकस करते हैं, बिकॉज वहां से तो पैसा आने वाला है। जो एग्जिस्टिंग हमारे क्लाइंट्स है जिनसे पैसा नहीं आया, उनसे रिगरस फॉलोअप करें लॉकडाउन के दौरान। मुझे मालूम है कि एक बार फॉलोअप करने से नहीं मिलने वाला, लेकिन और अच्छे शब्द में लिखे, अच्छे शब्द में बात करें, हालचाल पूछे, ऐसे करें, और थोड़ा डिस्काउंट दे के अगर रियलाइज हो जाता है ना तो सेटल कर ले। कुछ डिस्प्यूट होगा अगर छोटा मोटा, तो वो भी थोड़ा डिस्काउंट रिबेट दे के सेटल करें, क्योंकि आज तो जो पैसा है, लिक्विडिटी इज इम्पोर्टेंट, कैश इज किंग जो बोलते हैं, हम लोगों को पैसा लगेगा जब ये रिस्टार्ट होगा, रीबूट होगा अपना बिजनेस, तो ये सब पैसा अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर क्लाइंट आगे जाके क्लाइंट ज्यादा क्रेडिट मांगे, तो उनसे एक अपफ्रंट पेमेंट के लिए डिस्काउंट मांग लेना, लेकिन ज्यादा क्रेडिट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो हमारे वेंडर्स है, जो पेपर सप्लायर, इंक सप्लायर वगैरह भी है, वो भी अपफ्रंट पेमेंट ही मांगेंगे। तो आई थिंक हम लोग वी शुड स्टिक टू दैट, क्रेडिट कम ही करें मार्केट से तो अच्छा। एक कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को जो क्रेडिट देते हैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट दूसरे छोटे क्लाइंट्स होंगे तो देखना चाहिए। इट वुड बी वर्थ, अगर नया कॉर्पोरेट क्लाइंट लेते वक्त उसका क्रेडिट रेटिंग देखे तो अच्छा रहेगा। यू मे आस्क कैचरिश, अपने थोड़े से आपको जो मालूम है, जो क्लाइंट्स के पास आर्थिक व्यवस्था अच्छी है जिनके पास, उनको एक अपफ्रंट एडवांस देने के लिए बोल सकते हैं, उनका एक प्रोजेक्शन देख के क्या प्रिंटिंग के जॉब्स होने वाले हैं उनके बचे हुए 2021 में देखकर, उनको एक एडवांस अपफ्रंट मांग सकते हैं अगर उनकी आर्थिक मजबूत हो तो।
रेगुलर क्लाइंट रखने के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। इसके लिए मैंने पहले भी बोला है, वापस दोहरा रहा हूँ कि उनसे संपर्क रखना, कंटिन्यूस संपर्क रखना बहुत जरूरी है। कोई भी प्रिटेक्स्ट हो, हालचाल पूछो, कुछ भी पूछो, बट कुछ ना कुछ बातचीत करते रहो उनसे। जैसे मैंने बोला है कि सेल्स हम लोग के कम होने की संभावना है इसके बाद में, क्योंकि प्रिंटिंग ऐसा कॉस्ट है जो सब लोगों के लिए, शायद कमर्शियल प्रिंटिंग में और ये सोशल मीडिया के आने से ये इम्पोर्टेंट कॉस्ट नहीं है सभी कंपनी के। सो शायद हमारे ट्रेंड ऑफ सेल्स थोड़े स्लो हो सकते हैं स्टार्ट में, इसलिए दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग वो देखना चाहिए। आज जो प्रोडक्ट्स हम लोग, उत्पाद जो आज ऑफर करें, आज जो सर्विसेज ऑफर करें, उसको एक बार देख के नया अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकते हैं, नए चीज क्या कर सकते हैं। उदाहरण पहले मैं अगर एनुअल रिपोर्ट छपाई करता था, बट अभी समझो मुझे एनुअल रिपोर्ट सिर्फ डिजाइनिंग की इंक्वायरी आई तो मैंने लेना चाहिए, वो डिजाइनिंग कॉस्ट तो एटलीस्ट आए, तो कोई ना कोई रेवेन्यू अपने पास आना चाहिए। थोड़ा हम लोगों को अपना बिजनेस मॉडल मोल्ड करना पड़ेगा इस तरीके से, जो नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे दुनिया में, थोड़ी आँख खुली रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेजेस पढ़ के नहीं चलेगा दोस्तों, अपने को इम्पोर्टेंट व्हाट्सएप में जो इम्पोर्टेंट आता है उतना पढ़ना पड़ेगा। देन सेल्स सिर्फ इंक्रीज करने के लिए इंक्रीज करना अच्छा काम नहीं है, क्योंकि इसमें अगर पेमेंट्स नहीं आने वाले होंगे सेल्स इंक्रीज करके तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे नए सेल्स नहीं होने से तो बेहतर है, होने से तो नहीं होना बेहतर है। दूसरे आइटम की तरफ जाते हैं, जो अपनी खरीदी है और पेबल्स, परचेसेस एंड पेबल्स, सबके साथ संपर्क बनाए रखें, वेंडर्स के साथ, स्पेशली जो क्रिटिकल सप्लाई है आपका, पेपर है, वॉट एवर इन योर डिस्ट्रिक्ट, जो क्रिटिकल सप्लाईज ऑफर करता है उनसे तो डेफिनेटली संपर्क बनाए रखें। टर्म्स थोड़े रीनेगोशिएट हो सकते हैं इसके बाद में, अभी सर्कमस्टेंसेस रीओपनिंग के बाद में कैसे होंगे क्या होंगे वो आज हम नहीं बता सकते, बट डेफिनेटली हम लोग के पास थोड़ा लिक्विडिटी अगर बेटर होगा, और इसके लिए मैं लिक्विडिटी पे हमेशा जोर देता हूँ, अगर थोड़ा सा बैंक में बैलेंस होगा ना तो हम अच्छे टर्म्स नेगोशिएट कर सकेंगे। और उसके लिए मेरे ख्याल से फ्यूचर बिजनेसेस रखने के लिए थोड़ा लिक्विडिटी रखना चाहिए, और उसके लिए गवर्नमेंट ने भी क्या स्कीम्स किया वो हम लोग आते थोड़े स्लाइड्स में देख लेंगे। वेंडर्स ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर न्यू जॉब, अभी नए जॉब के लिए जो माल लगेगा अपने को, पेपर है या इससे, उसके लिए शायद हमारे सप्लायर जो है वो इमीडिएट पैसा मांगेंगे। अगर मांगे और अपने पास लिक्विडिटी होगा तो डेफिनेटली कैश डिस्काउंट मांगना ना भूलना, मांगते वक्त अच्छा ही मांगो। देखो मांगने के टाइम पे ज्यादा मांगो डिस्काउंट, देते वक्त कम दो, ये फिलोसॉफी है फाइनेंस का हमेशा से। और वेस्टेजेस एब्सोल्युटली कंट्रोल में रहना चाहिए, बिकॉज इधर अभी तो थोड़ा जब अगर 1% वेस्ट, 2% वेस्टेज था आपका ऑन एन एवरेज, तो उसको 1% पे लाओ, आधे परसेंट पे लाओ और कम करो, बिकॉज ये है डायरेक्ट पैसा बचना। यहाँ पर एग्जिस्टिंग वेंडर्स को, एग्जिस्टिंग हमारे सप्लायर को जब भी पेमेंट करना अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज जो पैसा हमारे पास उपलब्ध है वो हमारे नए परचेसेस के लिए, नए सेल्स के लिए लगेगा। इसलिए जो भी हम लोग एग्जिस्टिंग यानी लॉकडाउन के पहले के जो हमारे सप्लायर हो गए उनको पेमेंट करके सिलेक्टिव रहना, और अगर कोई इंसिस्ट भी करे और आपके पास पैसा हो तो डेफिनेटली कैश डिस्काउंट्स मांगना, डिस्काउंट्स डेफिनेटली मांगना। उस डिस्काउंट मांगने में शर्माने की जरूरत नहीं है, ये बिजनेस है, इसको अलाइव रखना, इसको सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉस होके हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, ये याद रखना प्लीज। दूसरे आइटम की तरफ बढ़ते हैं, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली जब भी नहीं चाहिए जब भी स्विच ऑफ करना चाहिए। स्केल डाउन द डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट पे ज्यादा काम नहीं है या जो मशीन्स पे ज्यादा काम नहीं है, जिधर यूटिलाइजेशन बराबर अप टू द मार्क नहीं है, वो डिपार्टमेंट चलाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। उधर के जो लोग हैं वो हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, यानी कम टाइम में ज्यादा अचीव अगर करेंगे तो कॉस्ट बचेगा, ये फिलोसॉफी है। अचीव मोर इन लेस टाइम बाय फॉलोइंग प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसेसेस, तो ये हमने को देखने का है। नेक्स्ट जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आइटम, बहुत बहस हुई है ये आइटम पे, वो आइटम है सैलरी एंड वेजेस। तो अपने जो एम्प्लॉयज है उनको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है। हमारे एम्प्लॉयज है जो भी करेंगे उनसे कम्युनिकेट प्रॉपर करके ही हमें करना है, क्योंकि जो हमारे इंजिन है, हमारे सक्सेस के जो इंजिन है, उनको हम लोग संपर्क में नहीं रखेंगे तो अच्छा नहीं होगा। इनको फैक्चुअल सिचुएशन प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है कि भैया जब भी उत्पादन नहीं है, जब भी बिक्री ही नहीं है,
तो तुमको भी सैलरी फुल मिलने की गुंजाइश नहीं है कि कंपनी को जिंदा रखने का होगा तो सबको ही थोड़ा ना थोड़ा सहन करना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से जो भी लॉ हो, जो भी केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आई एम नॉट गोइंग इनटू द लीगल मैटर्स, बट ये अगर हम समझाए और हमारे इधर ही अगर बात सुलझ जाए ना, तो इसका आवाज बाहर भी नहीं होता है। ज्यादा आवाज करके इसको ज्यादा इससे डिस्कशन में लाके कोई फायदा नहीं। द आइडिया ऑफ पेइंग सब्सिस्टेंस मनी फॉर द लॉकडाउन पीरियड एंड एडजस्टिंग थोड़ा एक सब्सिस्टेंस, मान लीजिए कि 5,000-6,000 ऐसे एक सब्सिस्टेंस अलाउंस भी देंगे ना लॉकडाउन पीरियड में, क्या है उनके घर पे कमतरता नहीं होनी चाहिए किसी को, तो ऐसा एक अलाउंस फिक्स करके सभी लोगों को अपने ग्रेड वाइज दे सकते हैं। उसके लिए भी डिस्कशन करना जरूरी है अपने एम्प्लॉयज के साथ। और अगर लीव बैलेंस वगैरह होगा, स्पेशली मार्च 31st तक अगर लीव बैलेंस उनका होगा, कुछ भी PL या जो भी आप देते हैं लीव्स, जो एडजस्टेबल लीव्स होते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं, उनको एडजस्ट करेंगे तो भी चलेगा इनके कंसेंट के साथ। एटलीस्ट वो उतना हमारे प्रेशर कम होगा। ये साल की इंक्रीमेंट्स तो डेफिनेटली पोस्टपोन करना चाहिए, ये साल की इंक्रीमेंट्स। आई डोंट थिंक सी डिपेंड्स अपने बिजनेस पे ऊपर डिपेंड करता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस वेयर आई हैव डिस्कस्ड ये इंक्रीमेंट्स तो डिफर करना पड़ेगा ये साल। इनफैक्ट इफ अगर हम बजट बना रहे तो ट्राई टू रिवाइज, ये रिविजन करो सैलरीज और वेजेस में, अगर हो सके तो थोड़ा थोड़ा कट दो, आइदर DA में या कोई अलाउंसेस में, या थोड़ा कट आप उसमें दे दो। और ये सब सबके कंसेंट से ही, सब एम्प्लॉयज को साथ में लेके उनसे बातचीत करके ही करना पड़ेगा। बोनस का परसेंटेज भी नेगोशिएट करना पड़ेगा। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बजट बनाने जाएंगे ना, एक रियलिस्टिक बजट बनाने जाएंगे तो उसमें नहीं बैठने वाला है। इसके लिए बोलता हूँ ये ऑलरेडी डिस्कशंस ना, जब भी हम लॉकडाउन के बाद में ओपन अप हो और एक अच्छे माहौल में जब भी बैठेंगे एम्प्लॉयज के साथ, आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातचीत करना चालू करना चाहिए। एटलीस्ट एम्प्लॉयज को कन्विंस करना चाहिए कि जो लॉकडाउन का पीरियड है, वो बोनस कैलकुलेशन में हम नहीं गिनेंगे। इसमें जिसी को फिक्स्ड सैलरीज होंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल सेल्स स्टाफ वगैरह है, उनको फिक्स्ड सैलरीज होंगे, उनको फिक्स्ड और वेरिएबल दो कंपोनेंट कर सकते हैं आप, थोड़ा इंसेंटिव बेस्ड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट का प्रेशर कम होगा, अपने एग्जिस्टिंग खर्चों पर फिक्स्ड कॉस्ट का प्रेशर कम होगा। दूसरे आइडियाज जो है कॉस्ट ऑफ लेबर रिड्यूस करने के, वो है ट्रेनिंग, क्रॉस डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग अगर करेंगे ना हम एम्प्लॉयज को, तो वो बेहतर रहेगा। आवर्स ऑफ वर्क, जो इनके आवर्स ऑफ वर्क है, वो रिड्यूस कर सकते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स में अगर कम काम होगा तो, और उनकी सम्मति से उनका सैलरीज भी प्रोपोर्शनेट कर देने का वो डिपार्टमेंट का। ब्रेकिंग इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल इंसेंटिव्स, ये मैंने बताया आपको, थोड़ा फिक्स्ड दे दो सैलरी, थोड़ा इंसेंटिवाइज करो। कैरी फॉरवर्ड जो लीव का अगर प्रबंध होगा आपके सिस्टम में, तो वो आप स्टॉप कर सकते हो टेम्परेरीली, एनकैशमेंट उसका स्टॉप कर सकते हैं। रेट ऑफ ओवरटाइम आप नेगोशिएट कर सकते हैं, या ओवरटाइम के बदले में कॉम्पेंसेटरी ऑफ देना चालू कर सकते हैं। दीज आर सम मेथड्स ऑफ सजेस्टिंग द रिड्यूस करने के लिए, कॉस्ट ऑफ लेबर रिड्यूस करने के लिए। देखो, फाइनेंशियल प्रूडेंस और बीइंग ह्यूमन में बैलेंस होना चाहिए। एक फाइनेंशियल प्रूडेंस होता है वो रखने के लिए आदमी लोगों को दुखा के नहीं चलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबको साथ में लेके, सबको एंगेज करके ही डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है सैलरी वेजेस में, जो पार्टनर और डायरेक्टर जो रेम्यूनरेशन अगर डिसप्रोपोर्शनेट टू द बिजनेस ले रहा होगा, मैं जानता हूँ ऐसा नहीं होता है, बट बहुत सारे कंपनीज में मैंने देखा है कि उत्पादन इतना ही नहीं हो, प्रॉफिट्स भी नहीं हो, तो भी डायरेक्टर्स अपना रेम्यूनरेशन है वो बहुत ज्यादा लेते रहता है। तो ये एग्जाम्पल जो है ऊपर से चालू होना चाहिए, जो भी एग्जाम्पल हम सेट कर रहे हैं वो अपने से चालू होना चाहिए, नहीं तो इसमें मतलब नहीं। नेक्स्ट इसमें जाते हैं इन्वेंटरी, जो स्टॉक्स अपने रखते हैं। स्टॉक्स में क्या है, जो एग्जिस्टिंग जो भी माल पड़ा होगा वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। एक बार जो इन्वेंटरी लेवल अपने को मेंटेन करना है और उसका इम्पैक्ट सेल्स पे क्या होगा, ये ध्यान में रखते हुए ही ऑर्डरिंग लेवल डिसाइड कीजिए। ज्यादा भी नहीं हो, कम भी नहीं हो, सेल्स को इम्पैक्ट हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसमें आपको खुद को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यदि आप परचेस मैनेजर्स या कोऑर्डिनेटर या सुपरवाइजर पे डिपेंड करते हैं, तो ये थोड़ा सा आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जो है डायरेक्टर का या प्रमोटर का, वो थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा। अभी अपने को ऐसे समझिए ना कि कंपनी रीस्टार्ट कर रहे, तो पहले दिन हम लोग कैसे शुरुआत में जो मेहनत करते थे उसी टाइप से हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। जो स्लो मूविंग और नॉन मूविंग स्टॉक्स होगा अगर कोई फिनिश गुड्स का,
उसको लिक्विडेट कर दो, उसको चाहे अपने क्लाइंट्स को थोड़ा कम भाव में दे दो, बट यहाँ पे सब कचरा है ना, वो साफ कर दो। स्टोर्स और जो स्पेयर्स होंगे उसको तीन इसमें डिवाइड कर सकते हैं, जो एकदम अति आवश्यक है, वाइटल है, वो तो होने ही चाहिए। जो प्रेफरेबल है उसको ऑफ द शेल्फ हम लोग बाय कर सकते हैं, और जो डिजायरेबल है वो नहीं बाय करना ही बेस्ट है। इसमें जो दो कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और जस्ट इन टाइम प्रैक्टिसेस, ये हम लोग को फॉलो करना चाहिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मैंने बताया आपको, कम भी नहीं होनी चाहिए इन्वेंट्री और ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट लेवल की होनी चाहिए। और जस्ट इन टाइम मैंने काफी सारी चीजें ऑफ द शेल्फ मिलती है, तो वो खरीदी करके उसको जस्ट स्टॉक में पाइलअप करके नहीं चलेगा, बिकॉज लिक्विडिटी का सवाल। फिर रेंट या लाइसेंस फीस जिसको बोलते हैं, इवन लाइसेंस में अगर वो आप रेंटेड इसमें होंगे तो जरूरी है कि आप आपके लैंडलॉर्ड से बात करें, उनको कॉन्फिडेंस में लेके। जो दूसरा अभी बचा हुआ पीरियड है 2021 का आफ्टर लॉकडाउन का, उसके लिए रीनेगोशिएट करें रेंट, और फोर्स मेजर क्लॉज करके एक एग्रीमेंट में होता है उसको इन्वोक करेंगे तो शायद ये, इसके ऊपर भी अलग से केस लॉज है, शायद ये लॉकडाउन पीरियड का रेंट नहीं देना पड़ेगा। अगर फोर्स मेजर क्लॉज नहीं होगा तो एक डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन करके होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसको भी इन्वोक कर सकते हैं, अपने लीगल कंसल्टेंट से संपर्क करके ही ये कदम उठाए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो बाकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको एफिशिएंटली स्टेप अप करें, एफिशिएंटली करें, और यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे ऐसे होगा, तो उधर एफिशिएंसी आप इंसिस्ट करिए, एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो कॉस्ट कम होगा। और दूसरे अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्टर्स मिल रहे क्या, दूसरे नेगोशिएशंस लॉकडाउन के बाद में, ये जरूरी है, बिकॉज शायद आपका नेगोशिएट अच्छा हो सकता है। अगर ये वापस मैं दोहराता हूं, लिक्विडिटी नहीं होने पर आप नेगोशिएट नहीं कर सकेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिसका एक्सपेंसेस का जो प्रोडक्शन के ऊपर रिलेशन नहीं, ऐसे सारे एक्सपेंसेस है, उसको प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करो, रिड्यूस करो और एलिमिनेट करो, जहां नहीं चाहिए वो एक्सपेंसेस हम लोगों को नहीं चाहिए। सब फ्रिल्स एंड फैंसीज अभी बंद करना चाहिए, सब लग्जरी हम लोगों को बंद करना पड़ेगा, एंड कौन सा हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं एक्सपेंसेस ऐसे देखने पड़ेंगे। फिक्स्ड एसेट्स और मशीनरी जो है उधर नया इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अंटिल यू हैव सम इनोवेशन, ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट जो ऐसे ही पड़ा होगा ना आपके पास मशीनरीज, जो काम करने एक कोने में पड़ा है, उसको आप स्क्रैप भी कर देंगे और वो पैसा अच्छे इसमें इस्तेमाल करेंगे तो बेटर है। इंटरेस्ट जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे, वेरिएबल लेवल पे रखना चाहिए। हमारे लोन्स इतने भी नहीं बढ़ाने चाहिए कि हम एक प्रॉब्लम में आए। दिस विल डिपेंड ऑन द बैंक एक्सपोजर, वो हम बाद में कवर करें बैंक एक्सपोजर। अभी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए क्या प्रबंध है और गवर्नमेंट की अपने को क्या सहायता है इंप्रूविंग लिक्विडिटी में, तो एक आरबीआई नोटिफिकेशन आया था 27 मार्च 2020 का, तो उसके मैं थोड़े से आपको फीचर्स बताता हूँ। एक लिबरलाइज्ड वर्किंग, सॉरी वन सेकंड, एग्जिस्टिंग टर्म लोन जो है आपका, एग्जिस्टिंग टर्म लोन्स में आपको मॉरेटोरियम देने का प्रबंध था 3 महीने का, सो मार्च अप्रैल मई का वो पॉसिबल था। अगर आपने अवेल नहीं किया है तो बैंक से बात कर सकते। इसका रिपेमेंट शेड्यूल जो है ये लोन्स का, वो शिफ्ट हो जाएगा, आगे ढकेला जाएगा, और इंटरेस्ट भी अक्रू होगा, लेकिन इंटरेस्ट इसका आउटस्टैंडिंग पोर्शन पे अक्रू होते रहेगा इन मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान। देन दूसरा एक फीचर था ये नोटिफिकेशन, वो था सीसी और ओडी लिमिट अगर हम लोग ने लिया हुआ है तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो डिफरमेंट हो सकता है मार्च से मई तक, ऐसा प्रोविजन था। यदि आपने ये नहीं इन्वोक किया, ये यदि आपने ये रिक्वेस्ट नहीं किया है बैंक को, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बट एक ध्यान में रहे कि एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट एक साथ रिकवर होगा ये लॉकडाउन पीरियड के बाद। कुछ इंपॉर्टेंट बैंक के कॉन्सेप्ट से जो जानना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले, रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ अकाउंट्स, एक स्टैंडर्ड अकाउंट होता है वेयर देर हैव बीन नो डिले इन द पेमेंट ऑफ ईएमआई, जिसमें डिले नहीं हुआ है उसको स्टैंडर्ड अकाउंट्स बोलते हैं। स्पेशल मेंशन अकाउंट्स जिसे एसएमए कहते हैं, एसएमए 0 जहां पर डिले 30 दिन से नीचे है, एसएमए 1 जहां पर डिले 30 और 60 दिन के बीच में है, और एसएमए 2 जहां पर डिले 60 दिन से ऊपर और 90 दिन से कम है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये बहुत लोग जानते हैं, एनपीएस जिसको बोलते हैं, जिसपे डिले ऑलरेडी हो चुका है, इससे भी ज्यादा डिले हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अभी और एक स्कीम था आरबीआई नोटिफिकेशन में, लिबरलाइज्ड वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या था,
फाइनेंशियल स्ट्रेस होने की वजह से जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट थी यूनिट्स की, खासकर स्मॉल स्केल यूनिट्स की, उन्हें बैंकों को अलाउ किया था कि जो ड्रॉइंग पावर होता है, जो ड्रॉइंग पावर आपको मालूम है ना, डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स करके वो ड्रॉइंग पावर गिनते हैं, स्टॉक प्लस डेटर्स माइनस पेड क्रेडिटर्स माइनस करके वो ड्रॉइंग पावर बनता है। तो यदि मेरा 1 करोड़ का लिमिट है, उसमें 25-30% मार्जिन पकड़ा है स्टॉक्स का और डेटर्स का, तो वो अभी हम रिकैलकुलेट करने की उनको ये दी है, दे हैव बीन अलाउड टू रिकैलकुलेट दैट ड्रॉइंग पावर। और इसमें सजेस्टेड मार्जिन है 10% ऑन स्टॉक और 15% ऑन डेटर्स। और जो कवरेज होता है, जैसे कि रिसीवेबल 90 दिन के कोई बैंक पकड़ता है, कोई बैंक 60 दिन के डेटर्स पकड़ता है, इनको भी, इनका कवर भी एक्सटेंड करने की अनुमति दी है बैंकों को। तो दिस कैन गो अप टू 120 डेज और 150 डेज और 180 डेज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी ऑफ द बैंक, बट उनको अलाउ किया गया है। और ये सभी फैसिलिटीज SMA 0, 1 और 2 को भी एलिजिबल है लिबरलाइज्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट के लिए। एक थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, और एक RBI नोटिफिकेशन 11 फरवरी 2020 का था, जिसमें रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ MSME का ये था प्रपोजल था। तो उसमें वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग अप टू 25 करोड़ आपका लोन होगा ना, तो वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल है। रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, अगर हमारा EMI, सब मान लो मेरा EMI 5 लाख है, बट थोड़ा बिजनेस कम होने से आज 5 लाख मुझे रीपे करने का मंथली थोड़ी आपत्ति आती है, तो वो रीफेज हो जाता है, थोड़ा सा उसको पीरियड बढ़ा के EMI का वेट पर मंथ कम कर देते हैं। तो ये कर सकते हैं इसमें SMA 0, 1, 2 बट स्टैंडर्ड टिल द डेट ऑफ रिस्ट्रक्चर, यानी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है, बट डिले हुआ है, SMA 0, 1 और 2 लेवल पे आ गए, तो उनको अवेलेबल है ये चीज, ये फीचर। स्कीम 31 दिसंबर 2020 तक है, और डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट आपका हुआ है ठीक है, बट टेम्पररी रीजन के लिए हुआ है, और प्राइमरी फेसी प्रोजेक्ट अपना वायबल है, ये सिर्फ बैंक्स देखेंगी। अगर आपका इसके पहले एक हिस्ट्री में यदि पहला रिस्ट्रक्चरिंग हुआ रहेगा, तो आई थिंक 3 साल के पहले हुआ होगा, तो यू माइट बी अगेन एलिजिबल, अगेन डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी ऑफ ईच बैंक, बिकॉज द पॉलिसीज ऑफ बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स अ लिटिल डिफरेंट, ओके। बट ये स्कीम पॉसिबल है, तो इसका तनाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है लॉकडाउन के बाद में, तो आप इसके लिए रिफेसमेंट या उसको रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, उसके लिए बात कर सकते हैं, और अभी लॉकडाउन के दौरान ही बात कीजिए, अभी अपने पास वक्त है बैंक को अप्रोच करने का, बैंक को लिखने का, बैंक से समझने का क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी क्या नहीं है। अभी अगर आपके पास वर्क फ्रॉम होम है या थोड़ा डेटा अवेलेबल है घर पे, तो लिखिए बैंक को जो जो उनको बैलेंस शीट या कुछ चाहिए। अभी तो 31 मार्च 2020 की तो बैलेंस शीट कोई मांगेगा नहीं, 31 दिसंबर 2019 की एक बैलेंस शीट आपको बना के रखना चाहिए इसके लिए, तो बेटर होगा। अभी हाल ही में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच दिया है 13 मई को, उसमें क्या फैसिलिटीज है, एक जो है 3 लाख करोड़ ऑटोमेटिक कोलैटरल फ्री लोन्स फॉर बिजनेसेस इंक्लूडिंग MSMEs, इसमें 45 लाख यूनिट्स बेनिफिट होने वाले हैं। अच्छा, ये प्रपोजल को कैबिनेट का भी नॉड मिल गया है 20 तारीख को, एंड इसको बोलेंगे ECLGC यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये बैंक्स को और NBFCs को दोनों को सुविधा दी है इसको ऑफर करने की। इसमें जो फंडिंग हम लोगों को नेसेसिटेट होगा, जो फंडिंग लगेगा, बेसिकली हमारे क्या है, ऑपरेशनल लाइबिलिटीज बहुत बढ़ जाएंगे, जो फिक्स कॉस्ट है ना, रेंट है मान लो, सैलरी वेजेस है, ऐसे कॉस्ट धंधा नहीं है, पर ये लाइबिलिटीज बढ़ रहे हैं, वो पुराने के लिए लगेगी, नया रॉ मटेरियल खरीदने के लिए और रीस्टार्ट करने के लिए बिजनेस लगेगी। इसमें क्या है, 20% ऑफ आपका जो एंटायर आउटस्टैंडिंग होगा 29 फरवरी के दिन पे, यानी अगर 29 फरवरी को मेरे को समझो, मान लीजिए मेरा एक CC अकाउंट है 1 करोड़ का, और मान लीजिए दूसरा 1 करोड़ का मेरा टर्म लोन है, तो 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग होगा, इसके ऊपर मेरा एलिजिबिलिटी 20% ऑन 2 crores विच हैपेंस टू बी 40 lakh rupees आई एम एलिजिबल टू। Obviously, bank will see all your projections और ये सब देखेंगे, but eligibility इतना है, और eligible units कौन से हैं, जिनका 24 crores तक outstanding है और up to 100 crores turnover है, तो हमारे सभी presses इसमें आ सकते हैं, most of the presses, इसमें भी standard accounts
और SMA 0 और 1 ही एलिजिबल है, SMA 2 नहीं एलिजिबल, SMA 2 के लिए अलग स्कीम है। और ये इसको अवेल करना है अपने को 31 अक्टूबर 2020 तक। इसका 4 साल का टेन्योर रहेगा और ये टेन्योर में पहले 12 महीने में हम लोगों को प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना है, सिर्फ इंटरेस्ट का रीपेमेंट करना है। इसमें कोई गारंटी या फ्रेश कोलैटरल की जरूरत नहीं, इसको 100% गारंटी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी ने दिया है, NCGTL ने किया है। इसका इंटरेस्ट भी आ चुका है, पहले इंटरेस्ट कैप करेंगे लिखा था लेकिन परसेंटेज अवेलेबल नहीं था, अभी कैबिनेट अप्रूवल आ गया तो इंटरेस्ट इसका 9.25% पे कैप हुआ है बैंक्स के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, और NBFCs इसको 14% पे ऑफर करेगी। ये एक हम लोगों को पॉसिबली, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दिस, बट दिस विल बी, ये हम लोगों को एडिशनल वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के तरीके से बैंक्स और FIs ऑफर करेंगी और NBFCs ऑफर करेंगी एडिशनल टर्म लोन की तरह से। ये हो गया एक। नेक्स्ट जो फैसिलिटी का अनाउंसमेंट हुआ है वो है 20,000 crores सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड MEC। अभी जो स्ट्रेस्ड MEC है, जो SMA 2 और NPS है उनके लिए स्कीम है, ये 2 लाख MSME यूनिट्स को बेनिफिट होगा। इसमें फंक्शनिंग MSME विच आर NPA और स्ट्रेस्ड ये एलिजिबल होंगे, जैसे मैं बोला कि SMA 2 एंड NPA। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ सपोर्ट ऑफ 4,000 crore बाय वे ऑफ CGT MSE। ये स्कीम पहले भी था। CGT MSE will provide partial credit guarantee support to banks, promoters of MSME, जो promoters है यानी जो directors है हम लोग है उनको bank loan देगी और ये loan उन लोगों को as equity, as share capital अपने unit में लाना है। तो possibly if I'm not mistaken this may be available only for private limited companies, maybe I really don't know, या तो partnership होगा तो as capital introduce होगा, बट दिस वी नीड टू चेक। ये सपोर्ट का लिमिट्स ऐसा रहेगा 15% अपने स्टेक पर, यानी मेरा अगर 2 करोड़ की मेरी शेयर कैपिटल है पेड अप, या मेरा कैपिटल मेरा भांडवल जो है वो कंपनी में अगर 2 करोड़ है तो उसके ऊपर 15% मुझे मिल सकता है, यानी 30 लाख, बट दिस इज सब्जेक्ट टू 75 लाख अपर लिमिट। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है। एक ही याद रखिए, कोई भी स्कीम कोई फ्री में नहीं है, कोई भी फ्री मिलता नहीं है दुनिया में, तो ये लोन्स ही तरीके से है और अपने को रीपेमेंट करना है, एग्जिस्टिंग भी रीपे करना है और ये भी रीपे करना है, बट दिस इज वन वे ऑफ गवर्नमेंट गिविंग यू दीज फैसिलिटीज। तीसरा जो है वो बहुत अच्छे जो प्लेटफॉर्म पे MSMEs है, कुछ अच्छे परफॉर्मेंस जो SMEs का हो रहा है उनके लिए 50,000 crore इक्विटी इन्फ्यूजन का है। इसमें जो MSME क्या होता है, जो इक्विटी अपने इसमें अगर एक प्राइवेट लिमिटेड MSME है उसमें शेयर कैपिटल भी इन्वेस्ट करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को बहुत दिक्कत आती है बाहर से फंड्स लेने के लिए, तो ये प्रयास है गवर्नमेंट का MSMEs को हेल्प करने के लिए थ्रू इक्विटी। इसमें फंड्स ऑफ फंड क्रिएट किया जाएगा विद अ कॉर्पस ऑफ 10,000 crore, ये सेटअप होगा व्हाइल प्रोवाइडिंग इक्विटी फंडिंग फॉर MSMEs विद जिस MSME जो बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है लास्ट 3-4 साल का, ग्रोथ पोटेंशियल है, जिसमें वायबिलिटी अच्छी है, उनके लिए है ये। फंड ऑफ फंड्स विल बी ऑपरेटेड थ्रू मदर फंड एंड डॉटर फंड एंड ये 1:4 लेवल में ऑफर होगा डॉटर फंड के लिए। इसके लिए लेवरेज इसका 50,000 crore तक भी जाएगा डॉटर फंड लेवल से। दिस विल एक्सपांड टू MSME साइज एज वेल एज कैपेसिटी। तो दोनों इसमें क्या है, नॉर्मली अगर MSME खुद देखा जाए तो उसमें शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करने वाले बहुत कम मिलते हैं, दिस वे द गवर्नमेंट इज गोइंग टू हेल्प एंड अल्टीमेटली ये हैंड होल्ड करेगा। अगर इसको स्टॉक एक्सचेंज पर, जो SME का स्टॉक एक्सचेंज होता है जिसमें मेरे ख्याल से आज 700 या 750 कंपनीज लिस्टेड है, तो उस पे जाने का भी उनका अगर ड्रीम होगा तो हैंड होल्ड करेगी स्टॉक एक्सचेंज पे जाने के लिए। डेफिनेशंस ऑफ MSME चेंज हुआ है, प्रपोज है। इसके ऊपर एक्चुअली बाद में जो नागी साहब है ये ज्यादा हम लोगों को इसमें इनसाइट दे सके, बट जस्ट एक डैशबोर्ड मैंने रखा है। तो अभी क्या है, ये लो थ्रेशोल्ड लिमिट जो हो रहा था वो क्रिएटिंग फियर इन MSMEs को लगता था कि हम बढ़ गए अगर तो ये बेनिफिट्स हमको नहीं मिलेंगे और इनका अर्ज जो है ग्रोथ करने का अर्ज कम हो रहा था। इसके लिए लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था वो अभी इन लोगों ने लाया है। इसमें अभी आप देखेंगे ना जैसे कि नीचे के इसमें
तो अभी इन्वेस्टमेंट और एडिशनल क्राइटेरिया उन्होंने टर्नओवर का भी डाला है, तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम रीडिफाइन हो गए, इसके बारे में बेहतर बात बाद में करेंगे, बट दोनों क्राइटेरिया अभी इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट का यानी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी का और टर्नओवर का. सो माइक्रो जो है इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 5 करोड़, जैसे स्मॉल है इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ एंड टर्नओवर 50 करोड़, और मीडियम जो है इन्वेस्टमेंट लेस देन 20 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 100 करोड़. नेक्स्ट देखते हैं एफएम की स्पीच के आगे के गवर्नमेंट एक्सपांड, ये थोड़ा क्या है बुकिश इसके लिए है जिसका फाइनेंस पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है. तो आई एम जस्ट रीडिंग द टाइटल्स. ओके, गवर्नमेंट एक्सपांड स्कोप फॉर ग्लोबल टेंडर्स फॉर एसएमईज, 200 करोड़ तक जो है टेंडर को फॉरेन कंपनीज का नहीं लेंगे. फिर अदर मेजर ऑफ एमएसएमईज है, इन ऑर्डर टू कर्व द मार्केटिंग एंड लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड ई मार्केटिंग का लिंकेज प्रोवाइड करेंगे, विच वुड बी अ रिप्लेसमेंट फॉर ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन के रिप्लेसमेंट के लिए ई मार्केटिंग का लिंकेज दे देंगे. जैसे कि आपको मालूम है एक GEM करके एमएसएमई का साइट भी है, उसके ऊपर ज्यादा बेहतर जानकारी हमें बाद में स्पीकर देंगे, हमारे नागी साहब देंगे. द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो मेड अनाउंसमेंट, मेजर अनाउंसमेंट दैट द रिसीवेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड सीपीएससी शैल बी रिलीज्ड इन 45 डेज. अभी ये 45 डेज के ऊपर कंपल्सरी रिलीज होगा या क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा कोई किसी किसी का इसके ऊपर क्वेरीज था विच वी विल आस्क आफ्टरवर्ड्स. फिर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड सपोर्ट फॉर बिजनेस है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में वो है, वो आपको सबको मालूम है, उसको फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ्स का दिया है, एंड रिडक्शन इन ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर 3 मंथ्स 12% से 10% भी दिया. बट पर्सनली यू नो आई डोंट थिंक 2% कम करके इतना अपने को लिक्विडिटी में फर्क पड़ने वाला है, इसके लिए मैं ये विषय भी अभी नहीं लेता हूँ. ऐसी थोड़ी डायरेक्ट टैक्सेस में भी कुछ प्रोविजन है, जैसे कि TDS का परसेंटेज 25% से कम किया. आई डोंट थिंक दीज आर गोइंग टू मेक सच अ बिग डिफरेंस, दैट इज व्हाई आई एम नॉट कवरिंग इट टुडे, बिकॉज लिक्विडिटी पोजीशन इतना बेटर नहीं होता. तो कंक्लूजन के लिए, दिस इज माई कंक्लूजन, लेट्स सी व्हाट वी हैव लर्न्ड. लॉकडाउन हैज गिवन अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, एक ये पीरियड में हम लोग सोच सकते हैं क्या क्या किया क्या नहीं किया, और रीबिल्ड मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करूं मैं, इसके ऊपर हम सोच सकते हैं. जो लर्निंग्स मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाए वो ध्यान में रखो, और थियरी ऑफ थ्री ये सब इम्पॉर्टेंट है. अपने को प्लान बनाते वक्त पहले अपने को ब्लीडिंग स्टॉप करना है, एनालाइज करना है बिजनेस, और बाद में इम्प्लीमेंट करने का, और सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक एक आइटम के ऊपर गौर करें, एक एक एक्टिविटी पर गौर करें, और जो भी हमारे कंट्रोल में आ सकता है हमारे हमारे वश में करें, उस पर नियंत्रण हम लोग करें, और एक फिक्स्ड फाइनेंशियल बजट से जाए, ये बहुत आवश्यक है. ऑलवेज एक ध्यान में रखें, बजट बनाए, प्लान बनाए, जो भी हो कैश पॉजिटिव हो, RBI और गवर्नमेंट स्कीम्स का प्रॉपरली स्टडी करें, आपके कंसल्टेंट से बात करें, बट अप्रोच चालू करो बैंकों को. अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प होने वाला, तो अप्रोच आप चालू करो. विच इज बेस्ट सुटेड फॉर यू डिसाइड, एंड एक ही चीज है, डेट ट्रैप पे नहीं पड़ना है, बस इसका हम लोग ध्यान रखें. और बैंकों के लिए पेपर्स प्रिपेयर करें, प्रोजेक्शंस प्रिपेयर कर सकते हैं आप, बेस बैलेंस शीट 31 December का प्रिपेयर कर सकते हैं. थैंक यू फॉर द टाइम बीइंग, वी विल टेक द कॉस्टिंग सेशन लेटर. एक्सलेंट उदय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद. इतना डिटेल्ड आपने पॉइंट्स को समझाया है, एंड क्वाइट एन आई ओपनर. आई एम श्योर बहुत हमारे पार्टिसिपेंट्स की आंखें खुल गई होंगी. यू हैव ब्रॉट सो मेनी थिंग्स टू लाइट विच वी डिडंट नो, सो वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू. दोस्तों, हमारे साथ में है मिस्टर बरिंदर सिंह नागी ऑल्सो, जो कि एक टेक्सटाइल के क्षेत्र में, ही इज अ डिप्लोमा होल्डर 1982 से फ्रॉम लुधियाना, एंड उसके बाद उन्होंने एमी, दैट इज एसोसिएटेड मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, उसमें भी उन्होंने काफी रिकग्निशन ही हैज गेन्ड. देन ही हैज लेटर ऑन वो पंजाब स्टेट होजरी एंड निटवेयर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से जुड़े एज असिस्टेंट मैनेजर in the knitwear development kshetra. 1990 he has joined the ministry of the small scale industry, which was those days it was called SSI, which is now called as MSME as we all know, and he has joined there as the small industry promotion officer. This was in Kolkata, West Bengal, and then later on he was transferred to Himachal Pradesh with the headquarters at Solan in 1992.
And on promotion to the assistant director grade 2 in 97, he was posted at Ludhiana. And 2014, he has joined the department of DCM SME at New Delhi on promotion again as the assistant director grade 1. Finally, उन्होंने 2017 January में voluntary retirement लिया and currently he is the industrial advisor as a consultant with the DCMCME, Ministry of MSME with the headquarters at Ludhiana again since 2017. So if we have, and now to proceed, I'd like to ask Kamalji to take over. Kamalji, manch aapka. Thank you, Mahal. So friends, it was very nice. हमने उदय जी की बातें सुनी. इस समय थोड़ा सा ब्रेक है इसलिए कि एक और हमारा एक कार्यक्रम है बीच में. हमारी एक एसोसिएशन है राजस्थान ऑफसर प्रिंटर एसोसिएशन विद हेडक्वार्टर्स एट जयपुर. तो राजस्थान ऑफसर एसोसिएशन ने कुछ खास किया है. मैं उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनको बुलाना चाहूंगा, मिस्टर एस एन अग्रवाल. ही इज द प्रेसिडेंट. और उनके जनरल सेक्रेटरी हैं निर्मल गोयल. और उनके हमारे पास हैं ट्रेजरर संदीप विजय. ये अपनी एसोसिएशन की एक्टिविटी के बारे में बताना जा रहा है. राजस्थान जो ये रोपा है राजस्थान ऑफसर प्रिंटर एसोसिएशन अभी अभी ऑल इंडिया फेडरेशन में भी शामिल हुई है. तो इन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत तरक्की की है. तो हम सुनना चाहेंगे इनका क्या इन्होंने कैसे काम किया और क्या तरक्की की है. संदीप जी आप बताइए. और इनके प्रेसिडेंट साहब भी है हमारे पास, जनरल सेक्रेटरी साहब भी है. मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान ऑफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन की स्थापना 2015 में की गई थी और यह काफी वर्षों से प्रयास करने के बाद हमारे कई सदस्यों ने मिलकर इसको प्रारंभ किया और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था. इस एसोसिएशन की प्रादुर्भाव से प्रारंभ से लेकर हमने अब तक कई एक्टिविटीज की हैं और राजस्थान के प्रिंटर्स के लिए आपस के अंदर रेट्स के कंसीडरेशन को, उनके मन मुटाव को दूर करने के लिए, उनके जो पार्टियों द्वारा पेमेंट रोक लिया जाता है उसके संदर्भ में गवर्नमेंट से हेल्प करने के लिए, इसके अलावा स्टाफ कई बार एडवांस लेकर दूसरी जगह काम करने चल जाता है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने इस एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म को उपयोग में ले रहे हैं. और मुझे खुशी है मेरे सब साथी इस समय हमारे एसोसिएशन के कई साथी इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं. मैं उन सबको भी धन्यवाद देता हूँ साथ में कि वो इसी तरह से जुड़े रहे हैं और आप लोगों ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है. ऑल इंडिया मास्टर फेडरेशन से भी हम एसोसिएट हुए हैं और हम चाहते हैं कि उनसे भी कंधे से कंधा मिलाकर हम अपना योगदान दें और अपने मुद्रक भाइयों के लिए अधिक से अधिक कुछ कर सकें, ऐसा हम लोगों का प्रयास रहेगा सर. बस आप लोगों को शुभकामनाएं, कमल चोपड़ा जी का आशीर्वाद और आप सब लोगों की प्रेरणाएं हमें निरंतर मिलती रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं निवेदन करता हूं सर. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर. आज का पर्पस आज का ये था कि इन्होंने रोपा ने एक अपनी नई वेबसाइट बनाई है. They wish to launch this website at this platform. So we have with us Shri Vijay Kumar Chopra ji, who is well-known personality and he is not only a printer but a father figure for us also. Vijay Chopra is a man who इन्होंने जब जिन दिनों में emergency लगी तो tractor से machine चला दी. तो जो machine जिन्होंने supply की थी गौस वाले वो भी देखने के लिए आए थे कि ट्रैक्टर से भी मशीन चल सकती है. तो जैसे कहा जाता है ना कि क्राइसिस में इंडियंस ही सबसे ऊपर आते हैं. सो नाउ आई विल रिक्वेस्ट रिस्पेक्टेड पद्मश्री विजय कुमार चोपड़ा जी, हम वही जल्दीकाल बाबू जी. सो ही विल आई विल रिक्वेस्ट हिम टू कम एंड लॉन्च द वेबसाइट ऑफ रोपा. वाह, कांग्रेचुलेशंस रोपा.
बढ़िया। कमल जी, एसएन अग्रवाल जी, निर्मल गोयल जी और वेब पर आए सारे महानुभाव, मैं पहले तो राजस्थान ऑफसेट प्रिंटर एसोसिएशन को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे को सहयोग देंगे, उनकी जो मुश्किलें हैं वो एसोसिएशन बनकर ही दूर हो सकती हैं। मैं कमल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने, क्योंकि मैं अब बुजुर्ग हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तो उसने ये मौका दिया। कमल की ये हमेशा कोशिश रही है कि हमारे पंजाब में और हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में जाकर छोटी छोटी जगह पर प्रेस वालों को इकट्ठा करना और उनकी एसोसिएशन बनाना। तो शुरू शुरू में लोग झिझकते हैं कि हम इकट्ठे होंगे क्या होगा, ये काम ये वही काम ग्राहक इनके हैं, मेरे हैं, वही खरीदार है, तो क्या करें। लेकिन इकट्ठे होने से बहुत फर्क पड़ता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा काम हुआ है राजस्थान ऑफसेट प्रिंटर्स ने इकट्ठे होकर। मैं अभी उदय जी की बात सुन रहा था, शाह साहब की भी सुनी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने काफी एक्सप्लेन किया है। लेकिन मेरी अपनी एक राय है कि ये गवर्नमेंट का कितना हमें मिलेगा ये हवा में है अभी, और क्योंकि बहुत से सारे प्रिंटर जो छोटे हैं उनको ये समझ ही नहीं आना कि क्या कैसे लेना है, ऐसा लगता है मुझे। पर अच्छा है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऑफर किया है, तो आपकी मदद से, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं मुझे पता है, आप इनकी मदद करेंगे तो शायद कुछ दो चार पैसे गवर्नमेंट से खींचने की मदद मिल जाए। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, और पहली बार मैं ये सारा सेट किया अश्विनी ने, तो मेरा अजीज है, तो मुझे अच्छा लगा पहली बार आप सबके चेहरे देखकर, आपको सुनते देखकर। तो अभी अभी हम चार अखबार निकालते हैं, पंजाब केसरी हिंद समाचार उर्दू में है, पंजाब केसरी हिंदी में है, जगबानी पंजाबी में है, और नवोदय टाइम्स दिल्ली में है। तो हमारे यहाँ दो चार आदमी निकल आए इस कोरोना से, तो हमने चेकिंग कराई तो दो चार और निकल आए, तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसको बंद करिए। तो पहली बार हमने घरों में लैपटॉप देकर हम लगातार अखबार निकाल रहे हैं। तो ये उस एक्सपीरियंस की याद थी जब हमारा बिजली काट दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये कमाल की चीज है। आज जब कल कमल जी ने कहा कि आप करेंगे तो मुझे नहीं थी, और वाकई गड़बड़ हो गई, तो लेकिन फिर ठीक हो गया सारा कुछ। तो ये टेक्नोलॉजी है, आप घर पर बैठकर आदमी काम कर रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ वो दफ्तर में आ जाओ, तो ज्यादा लोग आने को तैयार नहीं करेंगे, हम घर में ज्यादा काम कर लेंगे, बेटर है। क्योंकि अभी लॉकडाउन यहाँ हट गया है, तो लेकिन अभी भी कर्फ्यू हटा है, लॉकडाउन अभी है 30 तक। तो ये अच्छी टेक्नोलॉजी, उससे हमारे अखबार बच गए, और आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा कि ये हम 11 लाख के करीब चारों अखबार छापते हैं, तो ये 3 लाख पर चले गए। अब कल जब ये खुला है थोड़ा सा कर्फ्यू, तो हम अब 6 लाख पर आ गए, तो अभी 5 लाख का डिफरेंस है। तो ये टेक्नोलॉजी वाकई अपनानी चाहिए, लेकिन इस पर आप छाप नहीं सकते, बातें कर सकते हैं, कोई काम बुक वर्क नहीं कर सकते आप। तो अच्छा है, मैं आप सबका, खासकर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं राजस्थान के अग्रवाल जी और निर्मल गोयल जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और उनकी सारी एसोसिएशन को बधाई देता हूँ। कभी आऊँगा भी, मैं मिलूँगा आप सब से, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप इसी तरह इकट्ठे होइए, इसका लाभ मिलेगा, शुरू शुरू में लगता है नहीं, लेकिन अल्टीमेटली ये लाभ मिलेगा। आपको बहुत बहुत मुबारक, आप इस तरह मिलते रहिए, और
मैंने बहुत छोटी उम्र में काम शुरू किया, बहुत छोटी उम्र में, मैं मैट्रिक लाहौर से पास की पाकिस्तान से, तो उस वक्त टाइप जोड़ते थे हम, टाइपों से एक एक लफ्ज जोड़कर बनता था। बाद में यहाँ आए तो उर्दू था, तो वो हम प्लेटों पर काम करते थे। तो उसके बाद फिर वेब ऑफसेट लाए हम, तो अब टेक्नोलॉजी बदल गई, डिजिटल आ गया है, कई कुछ आ गया है। अब कार्ड डिजिटल छपते हैं, लोग आकर देते हैं जी हम 10 कार्ड भी छाप देंगे, 20 भी छाप देते हैं। तो टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो मेरी उम्र में ही ये सब कुछ बदल गया, मुझे अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बूढ़े बोलते ज्यादा हैं, इसकी मेहनत करना। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर एसएन अग्रवाल, प्रेसिडेंट रोपा, टू से फ्यू वर्ड्स। मैं एसएन अग्रवाल, यहाँ रोपा का राजस्थान में प्रेसिडेंट हूँ। आज आप लोग कमलजी चोपड़ा, विजय चोपड़ा और सारे पूरे देश के बड़े बड़े जो भी लोग आप लोग पधारे हैं और हमारी जो रोपा की वेबसाइट वो लॉन्च किया है, मैं उसके लिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में इस वेबिनार को जो देख रहे हैं, हमारे राजस्थान के बहुत सारे प्रिंटर्स को देख रहे हैं, देश के बहुत सारे प्रिंटर्स देख रहे हैं, मैं उनको सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस वेबिनार को ज्वाइन करके हमारी वेबसाइट को लॉन्च करने के अंदर जो भी हमको गौरवान्वित किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इस वेबसाइट के माध्यम से राजस्थान के प्रिंटर्स की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे, और जो जो भी हम लोग कर सकते हैं। अभी हमारा चूंकि 4 साल पुराना ही ये एसोसिएशन का वो है नया, तो हजारों तरह की प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि राजस्थान में 15 मणि है और अभी पिछले दो साल से ज्यादा एक्टिवनेस आई है। तो आगे हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आप लोग को सबको बुलाएं, एक बड़ा फंक्शन राजस्थान में करें, हम लोग आपका सम्मान करें, ऐसी हमारी इच्छा है। तो मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी ही, क्योंकि कोरोना आ गया है बीच के अंदर, अभी कुछ कह नहीं सकते, कोरोना कब खत्म होगा, कब क्या होगा, वी डोंट नो। तो जैसा भी कोई प्रोग्राम बनता है तो हम लोग सभी भाइयों को, सभी राजस्थान के, इंडिया के सभी बड़े बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल प्रेसिडेंट्स ऑफ द ऑफसेट प्रिंटर्स को हम लोग बुलाना चाहेंगे और बुला के सम्मान करना चाहेंगे, ऐसा हमारा सोच है। और वेबसाइट का आप लोगों ने जो आज लॉन्च किया है, मैं उसको पुनः आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में मेरे साथी निर्मल जी, संदीप जी और सारे एग्जीक्यूटिव जिन्होंने पूरी मेहनत करके हमारे वेबसाइट लॉन्च में बनाने में सहायता की, और पूरा तन मन धन से हम लोग यहाँ पर राजस्थान के प्रिंटर्स का पूरा मतलब सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद साहब, थैंक। ये जो छोटा सा टाइम हमने बीच में से निकाल लिया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ मेहुल जी का। तो मेहुल जी अब अपना शुरू कीजिए, जो अपना आज का जो मेन मुद्दा था टेक्निकल। मेहुल जी प्लीज। सर, नो क्वेश्चन ऑफ क्षमा, आफ्टर ऑल वी आर ग्लैड टू वेलकम रोपा आल्सो, एंड बहुत ही अच्छी बात है दैट दे हैव आल्सो जुड़ गए हैं ऑल इंडिया फेडरेशन, एंड बाबूजी के दर्शन हो गए। तो I'd like to sadar pranam on behalf of MMS and all the managing committee members, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सेंसिटिव, दैट इज लागत, कॉस्टिंग। तो उदय जी से फिर रिक्वेस्ट करूंगा टू पुट फॉरवर्ड हिज प्रेजेंटेशन। उदय, मंच आपका। उदय जी के आने से पहले मैं एक बात करनी चाहूंगा इसी मामले में। मैंने अपनी एक पोर्ट लिखा था कि जो आदमी आपसे सस्ता बेच रहा है उससे मत डरो, उसकी दुकान एक दिन बंद हो जानी है। डरो उससे जो सस्ता बना रहा है, अगर आप सस्ता नहीं बनाओगे तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। तो कॉस्टिंग जानना बहुत जरूरी है और इसके साथ सस्ता बनाना भी जरूरी है। कंपटीशन वही तो है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और प्रोडक्शन बढ़े। हर बंदे को सस्ता बनाना भी पड़ेगा, और अगर कोई अपनी कॉस्ट से कम बेच रहा है उसे तो डरो ही मत ना, वो तो बंद हो ही जाएगा। उदय भाई प्लीज। थैंक यू कमल जी, थैंक यू मेहुल, नमस्ते बाबूजी एंड वेलकम टू रोपा। सर, जैसा आपने बोला, क्या है, मार्केट प्राइस जो है, बिक्री का दर जो है, वो तो मार्केट डोमिनेटेड ही रहेगा। उस दिन भी अपनी चर्चा हुई, मार्केट डोमिनेटेड रहेगा। जो हमारे हाथ में है कंट्रोलेबल्स जो है, वो हमारे कॉस्ट है, हमारे खर्चे, हमारी लागत, हमारे
कंट्रोल में है उसे कंट्रोल करना चाहिए ताकि हमारा भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। चलिए देखते हैं, एक प्रयास कर रहा हूँ हिंदी में, मानता हूँ कि पहला प्रयास ठीक लगा होगा, उसी स्टाइल से ये करूँगा। आई विल शेयर द स्क्रीन में होगा। सो अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन प्रिंटिंग, इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, कॉस्टिंग और एस्टिमेटिंग में क्या फर्क है, क्या टाइप के कॉस्ट है प्रिंटिंग व्यवसाय में, एस्टिमेशन करने के क्या तरीके हैं, कॉस्ट सेंटर यानी इसको लागत केंद्र बोल सकते हैं, कॉस्ट सेंटर वो कैसे बनाते हैं, एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट को हम लोग विभाजन कह सकते हैं, लागत की विभाजन कैसे करें, एंड फिक्सेशन ऑफ डिपार्टमेंटल और एक्टिविटी कॉस्ट, हर एक डिपार्टमेंट के या एक्टिविटी के कॉस्ट आवरली बेसिस पे यानी पर आवर बेसिस पे या दूसरे कोई क्राइटेरिया पर कैसे फिक्स करें, ये हम लोग देखने वाले हैं इसमें। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कोई फिक्स्ड मेनू नहीं होता कभी प्रेस के लिए, क्योंकि हर एक प्रिंटेड जॉब अलग है, ब्रोशर, कैलेंडर, डायरी, कार्टन, मैगजीन, पोस्टर, हर एक प्रोसेस भी उसका डिफरेंट है, ऑफसेट, स्क्रीन, फ्लेक्सो, ग्रेवियर, सो मेनी प्रोसेसेस, सबस्ट्रेट भी अलग अलग है उसका, परचेस प्राइस हर एक के डिफरेंट है, उसके फैब्रिकेशन या पोस्ट प्रेस ऑपरेशन के प्राइसेस डिफरेंट है, स्किल सेट जो है हर एक प्रोडक्ट को बनाने में वो अलग है, इनफैक्ट हर एक एस्पेक्ट ये चीजों का अलग है, इसके लिए कोई फिक्स्ड मेनू नहीं हो सकता। और बहुत सारी एसोसिएशन बात करते हैं कि हम प्राइसिंग के लिए साथ में आए और एक प्राइसिंग प्रॉपर प्राइसिंग पे हम लोग आए, देखो अगर सभी लोगों का सिमिलर कैपेसिटी सिमिलर मशीन होगा तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर का रेट सिमिलर हो सकता है, बट प्रोडक्ट प्राइसिंग सेम कैसे हो सकता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रिंसिक जो कॉस्ट है वो डिफरेंट है। अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन पे कोई मशीनरीज है जो लोन पे लिए है तो उसका इंटरेस्ट है, कोई किसी का ऑर्गेनाइजेशन एक बड़े जगह में है तो उधर का रेंट ज्यादा है, या ऐसे कोई खर्चे जो पर्टिकुलर टू एन ऑर्गेनाइजेशन है वो कम ज्यादा हो सकते, तो एक प्लेटफॉर्म पे ये नहीं आ सकते, हमेशा हमेशा जो प्राइसिंग है वो मार्केट डोमिनेटेड ही रहेगी, हमारे हाथ में जो है वो हमारे कॉस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉस्टिंग और एस्टिमेटिंग में क्या फर्क है। कॉस्ट है जो खर्चा, जिसे हम खर्चा कहते हैं हिंदी में, वो या लागत कहते हैं, ये एक हम लोग खरीदी का एक प्राइस है, परचेस का प्राइस है जो हम एक प्रोडक्ट के लिए, उत्पाद के लिए या सर्विस के लिए देते हैं। वी हैव टू इनकर अ कॉस्ट टू अंडरस्टैंड कॉस्टिंग, हमें पहला खर्चा करना पड़ता है जब जाके हमें लागत समझ में आती है। इस तरह से कॉस्टिंग ये अभ्यास जो है वो पास्ट का है, और एस्टिमेट जिसे हम अंदाज कहते हैं, अंदाज एक खर्चे का जजमेंट है, एक क्या लागत हो सकती है एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद या एक सर्विस में क्या लागत हो सकती है उसका एक जजमेंट है। सो हम लोग जब भी एस्टिमेट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि क्या लागत होगी, क्या कॉस्ट होगा, इसका हम अनुमान करते हैं, ये प्रेडिक्ट करते हैं। हेंस एस्टिमेटिंग एक फ्यूचर की स्टडी है, भविष्य की स्टडी है एस्टिमेट। सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, जब भी हम क्लाइंट के एक इंक्वायरी के बाद में उन्हें हमें कोटेशन देते हैं, तो कोटेशन एक्चुअली क्या होता है, कोटेशन एस्टिमेट के ऊपर बनाया जाता है, ये प्रोडक्ट जो क्लाइंट ने मांगा है वो बनाने के लिए क्या क्या कॉस्ट, क्या क्या स्टेजेस ऑफ एक्टिविटीज है और उनके कॉस्ट क्या क्या होंगे, ये हम अनुमान लगाते हैं, और इस अनुमान से हम एक पर्टिकुलर कॉस्ट पे आते हैं जो हम एक एस्टिमेट के स्वरूप में क्लाइंट को देते हैं। छोटा सा उदाहरण है, तो इस तरह से ये दोनों शब्द है जो कॉस्टिंग और एस्टिमेटिंग हमेशा यू नो दे आर यूज्ड इन सिंक, आई मीन जस्ट रिमेम्बर, इतना याद रखें कि दोनों का मतलब अलग है। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ कॉस्ट, तो बेसिक जो है तीन टाइप के कॉस्ट रहते हैं, एक है डायरेक्ट मटीरियल्स, डायरेक्ट मटीरियल्स में जो है मटीरियल और कंज्यूमेबल जो हम लोगों को प्रोडक्शन में लगते हैं, जैसे कि पेपर, प्लेट्स, इंक्स, फिल्म, एडिसिव, ब्लैंकेट, पैकेजिंग मटेरियल, टोनर, कार्ट्रिजेस इत्यादि, ये है डायरेक्ट मटेरियल जिनका प्रोडक्शन से डायरेक्ट संबंध है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस जो जो खर्चे हैं, जो लागत है जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस से जुड़ी है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान लो प्रीप्रेस एक्टिविटी अगर है तो ये जो आउटसोर्स बाहर काम दिया है हम लोगों ने, अगर आर्टवर्क का, डिजाइनिंग का, स्कैनिंग, प्रोसेसिंग, प्रूफिंग, प्रिंटआउट का अगर काम हमने बाहर की एजेंसी को दिया है तो वो सारे खर्चे, प्रीप्रेस के खर्चे, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वैसे ही प्रेस के खर्चे, मान लो मेरी प्रेस में थोड़ा
ज्यादा काम है, तो मैंने दूसरे के प्रेस में, मेहुल की प्रेस में कुछ छापने को, छपाई के लिए दिया, तो उस पे होने वाला खर्चा ये आउटसोर्स खर्चा है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। वैसे ही दूसरा कोई दूसरे प्रेस में दिया तो वो, और फिर पोस्ट प्रेस में बहुत बार बाइंडिंग के लिए, फोल्डिंग, डाई कटिंग, एनवलप मेकिंग, सारे ये ऑपरेशन जो होते हैं, गमिंग, लैमिनेशन वगैरह, सब प्रेसेस में ये सारे इनहाउस नहीं होते, तो इसके लिए हम बाहर के एजेंसी पे, बाहर के आउटसोर्स पार्टनर के साथ उनकी सहायता लेके करते हैं। ये सब सारे खर्चे जो उनके बिल्स के खर्चे हैं वो आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और हमारे इंटरनल जो है, इंटरनल खर्चे जैसे कि वेजेस जो वर्कर्स को देते हैं, ये डायरेक्ट प्रोडक्शन से जुड़ा है, इसके लिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। जैसे पावर है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रेस में लगती है, देन जो रिपेयर और मेंटेनेंस मशीनरी का है, वो सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से जुड़े नहीं है, जैसे कि मान लो ऑफिस एंड एडमिन टाइप के एक्सपेंसेस है, जिसमें रेंट आता है, कन्वेयंस है, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के लिए जो लाइट का बिल है, फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी है, ऑफिस इक्विपमेंट मेंटेन करने के लिए जो खर्चा है, प्रोफेशनल लीगल चार्जेस, ऐसे सारे खर्चे, कैपिटल एंड फाइनेंस रिलेटेड जो खर्चे, वैसे इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन है, बैंक के चार्जेस है, इंश्योरेंस है, ये सब खर्चे कैपिटल और फाइनेंस में आते हैं। और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रैवलिंग, कुरियर, रिबेट, सेल्स प्रमोशन, ट्रांसपोर्ट, पब्लिसिटी, सारे जो सेल्स और बिक्री के एक्टिविटीज से जुड़े हुए खर्चे। महत्व का खर्चा ये है इसमें पर्सनल का खर्चा, जो सैलरीज हम लोग स्टाफ को देते, नॉट वर्कर्स, स्टाफ को देते, जो एडमिन और अकाउंट्स वगैरह ऐसे जो डिपार्टमेंट्स में स्टाफ है सेल्स में, उनको जो सैलरी देते वो इनडायरेक्ट में आता है, क्योंकि प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेशन नहीं है इसका। और जो हम लोग सैलरी या रेम्यूनरेशन लेते हैं, वो फिर स्टाफ वेलफेयर, चाय कॉफी का खर्चा है, वो सब सारे खर्चे इनडायरेक्ट। सो ये तीन भागों में इसका मेनली बाइफर्केशन हुआ है, विभाजन हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये याद रखें। आगे जाते हैं, अभी ये वर्ड ऑफ कॉशन है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो डायरेक्ट मटेरियल जो है, और जो हम लोग आउटसोर्स यानी बाहर की एजेंसी के, बाहर के पार्टनर को जो एक्टिविटी देते हैं करने के लिए, इनका कॉस्ट हम लोगों को मालूम है, क्योंकि परचेस करते वक्त हम ये तय करते हैं ना, रेट्स तय करते हैं, पेपर का, इंक का रेट तय होता है प्लेट्स का, और जब भी बाहर देते हैं कुछ काम, तो लैमिनेशन है, पर स्क्वायर, पर 100 स्क्वायर इंच का रेट रेडी होता है, तो ये सब कॉस्ट है ना, आइडेंटिफाइबल है। बट बाकी जो एक्सपेंसेस है, जैसे कि पगार है, वेतन है इनके वर्कर्स के, रिपेयर्स है मशीनरी के, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और बाकी सारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने पहले स्लाइड में देखे, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई, डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते कोई भी जॉब से, इसके लिए ये प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे रिकवरी का थोड़ा सा इश्यू है, हम रिकवर नहीं कर पाते बहुत बार, ये एक पर्टिकुलर जॉब से संबंधित नहीं है, इसलिए हम लोग रिकवर नहीं कर पाते होंगे, शायद नहीं कर पाते होंगे। तो ऐसे वक्त पे एक अच्छा सिस्टम डिवाइस करना बहुत जरूरी है, जिसमें हम इसका प्रॉपर विभाजन कर सके, और इसको एक प्रॉपर केंद्र बना के, लागत के प्रॉपर केंद्र बना के, यानी कॉस्ट सेंटर बना के इसको अब्सॉर्ब किया जाए, विच कैन नॉट बी, और ये सब जो है जो खर्चे प्रॉपर पर्टिकुलर जॉब से रिलेट नहीं कर सकते, उनका ये करना बहुत जरूरी है। वो कैसे करते वो हम देखने वाले आगे की स्लाइड्स में। मैं इधर यही मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जरूरी है। अभी एस्टिमेशन, एस्टिमेट जब हम बनाते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मेट यूज कीजिए, मान लो एक एक्सेल में फॉर्मेट है, जैसे कि प्लांट का नाम है, साइज है, क्वांटिटी वगैरह लिखा है। एक्सेल क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि ये स्पेसिफिक एक फॉर्मेट देता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही सब बनते हैं, इसका डेटा रह जाता है। सेकंडली, इसका अपने पास डेटा रह सकता है, क्लाइंट वाइज, प्रोडक्ट वाइज प्रॉपरली रह सकता है, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक्स नहीं करता। तो देखिए, जैसे कि फॉर्म वन टाइप, फॉर्म टू टाइप, ऐसा हम लोग ले सकते हैं, और बाकी सारे जो कंबाइंड ऑपरेशन है, जैसे कि ग्लॉस लैमिनेशन, लैमिनेशन, पिनिंग, एनवलप मेकिंग, वो बाद में जोड़ के अपना कमीशन है और हमारे मार्जिन है, वो एड करके पर कॉपी का रेट निकालते हैं। What I'm going about, जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना जरूरी है, एंड एक्सेल सीम्स टू बी द सिंपलेस्ट थिंग। इसमें कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, सिंपल ये जो मल्टीप्लीकेशन है ना, वो भी आप कर सकेंगे, कंप्यूटर कर सकेगा, तो क्या है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगा। कई बार हम लोग जब भी मैन्युअली करते हैं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, तो इस तरह से एस्टिमेट बनाए। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रेस, एक
प्रेस का एग्जांपल लेता हूँ, जहां पर उनके पास सिर्फ प्रिंटिंग मशीन है और बाकी सारी जो एक्टिविटीज है वो बाहर से कर रहे हैं, तो जो डिजाइनिंग का खर्चा है या प्लेट्स मेकिंग का खर्चा है या पेपर लैमिनेशन है, बाकी कोई भी एक्टिविटीज है जो बाइंडिंग एनवेलप मेकिंग बाहर से कराया है, वो तो प्रॉपरली हम लोग रिकवर करेंगे क्योंकि हमको उनका कॉस्ट मालूम है। बट जो प्रिंटिंग एक्टिविटी के लिए रिकवर कर रहे हैं हम लोग कई सालों से, कई ट्रेडिशनली हम लोग जो रिकवर कर रहे हैं वो 1000 इंप्रेशन का रेट लेते हैं। सबको मालूम होगा, एवरीबडी विल एग्री विद मी कि 1000 इंप्रेशन का हम लोग रेट रहते हैं, जहां पर इंप्रेशन इज इक्वल टू फॉर्म्स इंटू क्वांटिटी इंटू साइड्स इंटू कलर, ये सबको मालूम है। ये कहाँ से आता है क्या मालूम, वो हम लोग थोड़ा सा इसका रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस। नाउ इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रिंटिंग का रेट हम लोग जोड़ रहे हैं वो सभी कॉस्ट कवर करेगा। पहले के स्लाइड्स में जैसे देखा है, कॉस्ट ऑफ वेजेस है, रिपेयर्स है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन, पावर, इंटरेस्ट इत्यादि इत्यादि इत्यादि, सब ये है जो मैजिक फॉर्मूला जो है रेट पर 1000 इंप्रेशन वाला फॉर्मूला से बाकी सब ये खर्चे आ रहे हैं, ऐसा हम बिलीव करते हैं। बट ऑब्वियसली बहुत सारे प्रेसेस इसके ऊपर एक ऐसे कैलकुलेशंस करके बड़े हुए, तो कुछ तो लॉजिक होगा इसमें, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत है। वो हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे, इसमें थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच लगा के। बट अगर अगर मान लो कि ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं है आपके पास फिलहाल, तो क्या करना चाहिए? तो मैं ऐसे समझता हूँ कि एक फिक्स्ड रेट जो है वो मेक रेडी के लिए चार्ज करना चाहिए, और एक वेरिएबल रेट जो है वो 1000 इंप्रेशंस के लिए करना चाहिए चार्ज। ये एक बेटर मेथड होगा, क्यों? क्योंकि अभी समझो एक 4 कलर का जॉब है और 4 प्लेट्स हम लोग चेंज करने वाले, तो जो प्लेट्स चेंज करने को टाइम लगता है उसको मेक रेडी टाइम जो बोलते हैं हम लोग, उसके लिए एक फिक्स चार्ज ले लो। मान लो 250 रुपीज मैं प्लेट का ले रहा हूँ, तो 1000 रुपीज हम फिक्स चार्ज कवर करेंगे एक जॉब के लिए, चाहे जितने इंप्रेशन का जॉब हो, और बाद में जो है इंप्रेशन के अनुसार 1000 इंप्रेशन के लिए अगर आप 150 चार्ज कर रहे हो तो 150 चार्ज कीजिए 1000 इंप्रेशन के लिए, वो हिसाब से अगर 2000 हो तो ये रेट है ना थोड़ा थोड़ा कम होगा। क्यों थोड़ा कम होगा? बिकॉज ये जो फिक्स चार्ज है वो हमारा ज्यादा क्वांटिटी के ऊपर फैलेगा, इसके लिए जैसे हम क्वांटिटीज बढ़ाएंगे वैसा हमारा पर इंप्रेशन चार्ज कम होगा। तो हम लोग ने देखा कि फिक्स मेक रेडी चार्ज ये जो हम लोग चार्ज कर रहे हैं उससे क्या होगा, जो कॉस्ट हमारे फिक्स्ड नेचर के, जो कॉस्ट वैसे ही रहते हैं जो चेंज नहीं होते, जैसे कि उदाहरणार्थ रेंट है, जो इंश्योरेंस है, इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन, ऐसे जो कॉस्ट है ना वो फिक्स्ड नेचर के होते हैं। तो ऐसे अप्रोच से क्या होगा कि जो फिक्स कॉस्ट है वो ऐसे टाइप से रिकवर होगा, और जो वेरिएबल नेचर के कॉस्ट है जैसे कि पावर, इंक्स, वेजेस, केमिकल्स वगैरह जो है, वो इस हिसाब से ये रिकवर होगा। ये सिर्फ इसका लॉजिक है। सो अगर अपने पास एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं है तो ये अप्रोच भी ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर प्रीवियस P&L अकाउंट्स, वो थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टडी करना पड़ता है इसके लिए। तो जब भी मैं साइंटिफिक अप्रोच बोल रहा हूँ तो साइंटिफिक अप्रोच को एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, क्योंकि ये कॉस्ट सेंटर जैसे कि लागत केंद्र और विभाजन जो है इसका जो होगा और अपोर्शनिंग होगा, इसको एक प्रोफेशनल हेल्प कर सकता है। जो पास्ट डेटा है अपना थोड़े महीनों का, 6 मंथ्स या ईयरली, ये सब अपने को स्टडी करना पड़ेगा इन रिलेशन टू अपना जो एवरेज आउटपुट होता है पर मशीन यूनिट प्रोसेस, एवरेज वर्किंग आवर्स होता है, इससे हम लोग को रिलेट करना पड़ेगा। और एक मैं जरूर कहूंगा कि आपको ये जो है प्रोडक्शन लॉग बुक हम हर एक जन को रखना चाहिए, जो जो मशीन है उसका लॉग बुक, कितना इंप्रेशन किया है, कौन से तारीख को कौन से जॉब का कितना इंप्रेशन किया हुआ है, और ये एक्सेल में एक इसका समरी बनाना चाहिए मंथली क्वार्टरली वगैरह, तो ये बहुत यूजफुल होगा। एटलीस्ट ये कैप्चर अपने को करना चाहिए हर एक मशीन के लिए, प्रिंटिंग मशीन हो चाहे दूसरे मशीन भी हो, हर एक मशीन के एक सिंपल लॉग बुक रखने का, और वो लॉग बुक से बाद में एक अपने अकाउंटेंट को या एडमिन वाले को उसको समराइजेशन एक्सेल में कर सकते हैं। ये सभी प्रोसेस में क्या कॉमन है आप देखेंगे, टाइम, जो टाइम लगता है, बिकॉज हमारा जो इन्वेस्टमेंट है मशीनरीज में वो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, और हम लोग जो ब्याज भी देते हैं बैंक्स को वो तो संडे भी नहीं छोड़ता, छुट्टी भी नहीं छोड़ता, तो वो टाइम है। जो इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन है वो भी टाइम के ऊपर मिलता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो टाइम है। इसके लिए हमको एफर्ट्स करना चाहिए कि आवरली रेट्स फिक्स करना चाहिए इसका,
डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट मशीन और प्रोसेस हम इसका एक आवरली रेट फिक्स करने की कोशिश करेंगे। एक बार आवरली रेट अपना तय हो गया तो हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस तो है कि हर एक प्रोसेस में मशीन पे कितना टाइम लगेगा वो हम जज कर सकते हैं और वो हिसाब से प्री डिटरमिंड जो हम लोग ने आवरली रेट्स डिसाइड किया है उसको हमको इससे मल्टीप्लाई करके मिलेगा। तो आवरली रेट इनटू नंबर ऑफ आवर्स व्हिच इट इज गोइंग टू टेक ऑन ईच मशीन, इनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्रोसेस का कॉस्ट आएगा। और ये प्रोसेस कॉस्ट आने के बाद में हम इसमें जब ये डायरेक्ट मटेरियल और आउटसोर्स जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो बाहर दे रहे हैं कुछ एक्टिविटीज, उनको जोड़ेंगे तो हम लोगों को आएगा अपना डायरेक्ट कॉस्ट, पूरे कॉस्ट कितने, इस पे ग्रॉस प्रॉफिट अगर लगाएंगे तो हमारा एस्टिमेट रेडी होगा। भी ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट डू वी मीन बाय व्हाट डू वी नीड टू ऐड एज ग्रॉस प्रॉफिट, ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो एक प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा वो हम एस्टिमेट करेंगे, उसको आवरली रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा प्रोसेस कॉस्ट। और ये प्रोसेस कॉस्ट, टोटल प्रोसेस का कॉस्ट आने के बाद में डायरेक्ट मटेरियल्स और आउटसोर्स एक्टिविटी का खर्चा जो है वो जोड़ के प्रॉफिट ऐड करना है। तो प्रॉफिट क्या होता है, अभी प्रॉफिट कैसे डिराइव करते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं टिपिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है अपना, और राइट हैंड साइड में ये किया है उसमें है परसेंटेजेस लिए है, यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के परसेंटेजेस लिए। वी आर मोर कंसर्न्ड विद रेशियोज, हम लोगों को परसेंटेजेस चाहिए, इसके लिए मैं राइट साइड पे आप गौर करें तो यदि मेरा सेल्स, मेरी बिक्री 100% है और मेरे मटेरियल जो लगे हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो, यानी जो हमने पहले देखा डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कॉस्ट दोनों मिला के 73.40 है, यानी ये इस हम लोग सेल्स में से अगर माइनस करते हैं तो वी गेट अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 26.60। और बाकी सब कॉस्ट जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ऑफिस एडमिन सेलिंग और पर्सनल फाइनेंस, ये सब जो है ये मोर और लेस ये स्टैग्नेंट रहते हैं, सिमिलर रहते हैं। इसके लिए इनका अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे ना, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस थोड़े पीरियड्स के 3 महीना 6 महीना 1 साल ऐसा हम लोगों को स्टडी करना पड़ता है, तो ये परसेंटेज जो है मोर और लेस स्टेबल रहता है। तो ये कंपनी में समझो ये परसेंटेज 19.6 है, तो ये जाके नेट प्रॉफिट 7 मिलता है। अगर अभी मेरी पॉलिसी है कि 7-8% मुझे प्रॉफिट चाहिए, ये पोस्ट डेप्रिसिएशन प्रॉफिट है, अगर मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए तो मुझे नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट 26.6 चाहिए, तो ये होता है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। पहले थोड़े प्रॉफिट एंड लॉस स्टडी करके ये मिलेगा आपको। और 26.6% जो हुआ है वो 100 सेल्स पे है, 100 सेल्स के ऊपर 26.6% हुआ है। बट वेन वी आर वर्किंग द कॉस्टिंग, यू नो द कॉस्ट, हम लोगों को कॉस्ट मालूम है, सेल्स प्राइस हम एस्टिमेट करना चाहते हैं, तो कैसा होगा कि 26.6 जो मुझे मिला है वो मेरे डायरेक्ट कॉस्ट पर मिला है, वो है 73.40। तो यदि मैं 26.60 से परसेंटेज निकालता हूं तो वो परसेंटेज होता है 36.25। तो ये परसेंटेज आपके कॉस्टिंग में ऐड करेंगे। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट अपना आया है, डायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोसेस कॉस्ट आया है, प्रोसेस कॉस्ट और उसमें हम लोग ने मटेरियल और आउटसोर्स एक्टिविटीज के वगैरह कॉस्ट जोड़े, ये प्योर कॉस्ट है, इसमें कोई एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट नहीं है। इसको हम अगर 36.25 जोड़ेंगे तो जो मार्केट जो प्राइस आएगा वो हम ऑफर करेंगे। और ऐसे ही अगर स्टेबल हम लोग 36.25 यदि हर एक हमारे एस्टिमेट्स में ऐड करें तो लगभग हमारा एवरेज प्रॉफिट गेन वुड बी 7-8%। अब ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, बिकॉज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है जिसको ओवरहेड्स भी बोलते हैं और फिक्स कॉस्ट्स भी बोलते हैं, ये जो है कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा। जैसे मैंने बोला इंटरेस्ट रेट है, डेप्रिसिएशन है, रेंट है, ये सारी चीजें है, इसमें सैलरीज है, वो कंपनी टू कंपनी डिफरेंट होगी। ये तय करके हम लोगों को ये तय करना है कि मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट, हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना चाहिए और वो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज लेके इस पे अराइव करना है। सो दिस इज द वे वी हैव टू डिराइव द प्रॉफिट। अभी बढ़ते हैं कॉस्ट सेंटर यानी लागत केंद्र। अभी एक टिपिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है कि जो रेगुलर अकाउंट्स हम लोगों को दिखते हैं, रेगुलर अकाउंटेंट्स है जो हमने अभी पिछले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखे, जैसे कि परचेस है, व्हाटएवर एक्सपेंसेस है, सैलरीज है, रेंट है, फलाना फलाना सब, एंड हम लोगों को प्रॉफिट दिखता है। बट कौन से डिपार्टमेंट ने ये प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूट किया वो हमें नहीं समझता, और या तो कोई डिपार्टमेंट में लॉस हुआ है
तो ये नहीं समझता ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये ट्रेडिशनल प्रॉफिट एंड लॉस, ये हम लोगों को समझ सकता है अगर हम कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर का सिस्टम अडॉप्ट करें तो। ये टैली में इजीली अवेलेबल है और ये जब भी हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं वही करते समय हम ये कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर का भी एंट्री ले सकते हैं। तो हर एक एक्सपेंस में जब भी डेबिट करता हूँ तभी वो मुझे टैली मुझे कॉस्ट सेंटर्स भी मांगेगा, और जब भी मैं सेल्स का वाउचर में जब भी एंटर करता हूँ जब भी मुझे टैली रेवेन्यू सेंटर मांगेगा। मान लो एक डिपार्टमेंट है जिसमें एक प्रेस है जिसमें ये डिपार्टमेंट्स है, एक है क्रिएटिव डिपार्टमेंट, एक है प्लेट मेकिंग डिपार्टमेंट, एक है ऑफसेट प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, एक है डिजिटल प्रिंटिंग डिपार्टमेंट। उसके सामने मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखे उनके CRV CTP वगैरह, इजी होगा समझने के लिए। फिनिशिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग एंड डिस्पैच डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट में हम लोगों को रेवेन्यू भी मिलता है क्योंकि इससे कमाई का जरिया भी है ये डिपार्टमेंट्स। मगर कुछ डिपार्टमेंट्स जो है जो बैकएंड डिपार्टमेंट्स बोलते हैं जिनको, वो है अकाउंट्स, इससे हम लोगों को कमाई नहीं होता। एडमिन डिपार्टमेंट है जैसे कि मैनेजमेंट, अपने ऊपर खर्चे है जो अपने गाड़ी के हमारे सैलरी वगैरह ये सब है जो मैनेजमेंट के खर्चे, या तो सेल्स डिपार्टमेंट भी हो सकता है। इसमें रेवेन्यू डायरेक्टली नहीं मिल रहा, इसके लिए ये रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट्स नहीं है। अभी ये CRV CTP ऑफसेट डिजिटल FND अकाउंट्स एडमिन मैनेजमेंट ये सब मेन ग्रुप्स हो गए हमारे रिव्यू पर्पस के लिए, और इसके अंदर हम इसके नीचे हम काफी कॉस्ट सेंटर्स खोल सकते हैं ग्रुप बाय ग्रुप, जैसे टैली में स्ट्रक्चर्ड लेयर्स होता है ना, इवन अकाउंट ग्रुप्स भी जब भी क्रिएट करते हैं। वी आर लूजिंग यू। हेलो हेलो, ओके कैन यू हियर मी? Hello? This is actually your network, network is slow, no problem, you can speak, we are hearing, no problem. Okay, yeah. Uday, we lost you in between. Kaha se? Nihil, the network is low, actually, he is coming red. Really, actually, okay. Your network problem, Uday's network is not a problem. Okay, sorry. Okay, so... ये सब जो डिपार्टमेंट्स है वो मेन हमारे डिपार्टमेंट्स होंगे, और इसके अंदर हम बहुत लेवल से और भी कॉस्ट सेंटर्स खोल सकते हैं और ग्रुप्स, क्योंकि टैली में ये फीचर है लेयर टू लेयर खोलने का। सो जब भी मैं टैली में अकाउंटिंग कर रहा हूँ मुझे ये सोचना चाहिए कि ये अकाउंट हेड क्या, पहले मैं अकाउंट हेड सोचूंगा, जैसे कि रिपेयर्स में सोचूंगा, उसके अंदर मुझे कॉस्ट सेंटर क्या चाहिए और वो कौन से डिपार्टमेंट से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टेबल देखेंगे ना तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको इजीली समझ जाएगा। अभी देखिए जैसे कि मटेरियल्स अकाउंटेड है, परचेस वाला, तो परचेस वाला यानी डायरेक्ट मटेरियल्स है अपने, तो ये मटेरियल इंक हो सकता है, केमिकल हो सकता है, या तो ऑफसेट के लिए पेपर है, डिजिटल के लिए पेपर है, या प्लेट्स खरीदे किया है, तो ये सब कॉस्ट सेंटर्स हो गए। इतने सारे कॉस्ट सेंटर्स हम मटेरियल के अंदर बना सकते हैं, और इसमें आप देखेंगे कौन से डिपार्टमेंट से जुड़ा है वो राइट हैंड साइड में दिया है, जैसे कि मटेरियल इंक्स और केमिकल्स है वो ऑफसेट से जुड़ा है, डिजिटल पेपर डिजिटल डिपार्टमेंट से जुड़ा है, और प्लेट्स है वो CTP से जुड़ा है। इसमें दो तीन जो कॉस्ट सेंटर है उनके सामने हमको रेवेन्यू भी मिलता है, तो पेपर ऑफसेट है उसमें हम रेवेन्यू भी मिलता है, पेपर डिजिटल में रेवेन्यू भी मिलता है, प्लेट्स में हम लोग रेवेन्यू भी लेते हैं, तो उनमें रेवेन्यू भी रहेगा। वैसे ही आगे जाएंगे तो पावर है यानी इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी ऑफसेट डिजिटल CTP FND एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वेजेस में एक बोलना चाहता हूँ, वेजेस में समझो हम लोग ने ऑफसेट के वेजेस, डिजिटल के वेजेस और FND के वेजेस किया। अभी वेजेस में ऑफसेट में हम लोग के पास अगर दो मशीन्स होंगी, समझो एक राय भी है और एक SORDZ है, तो उसके भी कॉस्ट सेंटर्स खोल सकते हैं। तो वेजेस ऑफसेट के अंदर राय भी का और SORDZ का कॉस्ट सेंटर होगा, जिसके अंदर वापस वेजेस का कॉस्ट सेंटर होगा अकॉर्डिंग टू पर्सन वाइज। तो ये जो है पिन पॉइंट करके हम लोगों को खर्चे जो है पिन पॉइंट करके हम लोगों को टैली में मिल सकते हैं, और लेयर बाय लेयर हम चाहे उतना कॉस्ट सेंटर्स खोल सकते हैं। फिर इसका विभाजन कैसे होना चाहिए, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है। बहुत बार जो इलेक्ट्रिसिटी रेंट और ऐसे खर्चे है जो एक एक्टिविटी या डिपार्टमेंट से आइडेंटिफाई नहीं होते, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको कोई भी बेसिस पे, समझो कि रेंट है तो एरिया के बेसिस पे, या तो चाय कॉफी का खर्चा है तो नंबर ऑफ पीपल के बेसिस पे, ऐसे कोई तो यूजेज का एक बेसिस डिसाइड करके वो हिसाब से उसको स्प्रेड करना चाहिए। एक बार ये रेशोज अगर डिसाइड हो जाता है तो हम उसको एक्सेल टेम्पलेट बना के ये अकाउंटेंट को दे सकते हैं। जैसे कि देखो नीचे टेबल में दिया है इलेक्ट्रिसिटी और पावर का 3 लाख रुपए का समझो खर्चा आया है,
अभी ये जो वेट्स दिए देखो उसके सामने 1, 5, 2, 1, 3, 10, 10, 45, 10, 30 ये वेट्स है, ये रेशियोज है। तो एक बार मैं 3 लाख डाल देता हूँ ना तो ये इसमें वो एपोर्शन इसमें विभाजन कर देता है डिपार्टमेंट वाइज। तो मैं जब भी एंट्री करूंगा 3 लाख का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का उसी टाइम पे मैं ये डिपार्टमेंटल वही एंट्री में मैं ये डिपार्टमेंटल विभाजन भी कर सकता हूँ। और इस हिसाब से क्या होगा अपने को जब ये डिपार्टमेंट हम लोग देखेंगे समरी देखेंगे तो डिपार्टमेंट वाइज ये सब कॉस्ट हम लोग को मिलेंगे जो कि अभी ट्रेडिशनल हमारे जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं उसमें हम लोग को स्टैंडर्ड दिखते हैं, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी दिखते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में कितना कितना एपोर्शन हुआ है विभाजन हुआ है वो नहीं समझता। तो इस प्रकार से एक एक्सेल का टेम्पलेट बना के इसका विभाजन हो सकता है जब भी हम लोग एंट्री कर रहे हैं उस दौरान ही हो सकता है। अभी देखेंगे ये डिपार्टमेंटल या एक्टिविटी वाइज जो कॉस्ट मैं बोल रहा हूँ आवरली या कोई भी बेसिस पे करना चाहिए वो कैसे किया जाता है। सबसे फेवरेट डिपार्टमेंट है ऑफसेट क्योंकि मेन हमारे जो रेवेन्यू है वो यहाँ से आता है। इस प्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा प्रेस अलग हो सकता है। तो ये जो प्रेस एग्जांपल लिया हम लोग ने उस प्रेस में ऑफसेट डिपार्टमेंट है तो उसमें कैसा है देखिए अभी यहाँ तो पर्टिकुलर है पहले कॉलम में ये टोटल कॉस्ट है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर समझो 6 महीने का डेटा लिया है तो उसमें राय भी पर कितने खर्चे हुए SRDZ पे कितने खर्चे और इनको दोनों को सपोर्ट करने वाली एक कटिंग मशीन है उस पे कितने खर्चे हुए। तो ये जो है हम लोग को कॉस्ट सेंटर से मिल सकता है ये समरीज वहां से लेकर हम लोग ने इधर डाला। अगर नहीं होगा आपके पास कॉस्ट सेंटर का सिस्टम आज तक तो आप एफर्ट कर सकते हैं आपके बिल्स देख के ये डिपार्टमेंट में क्या क्या कॉस्ट हुए थोड़ा आप एफर्ट कर सकते हैं। अभी वेजेस जो है वो हम लोगों को मालूम है कौन सा आदमी इस पे काम कर रहा है वो डिवाइड कर सकते हैं। अगर ब्लैंकेट्स का डिवाइड करना है तो वो जो मैंने बोला आपको लॉग बुक रखना जरूरी है एक लॉग बुक जिसमें डेली प्रोडक्शन और मंथली समरीज होगा उसमें क्या है नंबर ऑफ शीट्स प्रिंटेड इसका भी हिसाब किताब होगा या नंबर ऑफ इंप्रेशंस तो उसके रेशो में इसको विभाजन करना चाहिए। बाकी सारे खर्चे जो है अदर कंज्यूमेबल्स मटेरियल केमिकल्स ये सब सारे खर्चे हमने ऐसे तरह से विभाजन किया और इसका टोटल लिया ये खर्चों का और कटिंग मशीन का जो टोटल आया उसको हमने नंबर ऑफ शीट्स के हिसाब से ही दोनों मशीन के ऊपर स्प्रेड कर दिया। तो ये जो टोटल रायबी का आया एक टोटल SRDZ का है। हमारे पास जो आवरली आवर्स होते हैं उसका तो हमारे पास होता ही है बिकॉज सैलरीज हमारे आवर्स के हिसाब से बनते हैं। तो कितने आवर्स स्पेंड किए हैं वो उसका एक बार टोटल निकालेंगे 6 महीनों में और ये टोटल कॉस्ट को वो टोटल आवर्स से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को आएगा एक आवरली कॉस्ट। यदि आपके पास इंप्रेशन का भी डेटा है तो ये जो कॉस्ट है उसको टोटल कॉस्ट को अगर हम एवरेज वो 6 मंथली इंप्रेशन से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को आएगा रेट पर 1000 इंप्रेशन। तो ये जो प्रिंटिंग का रेट आया है ना 1000 इंप्रेशन का वो इस तरीके से आया होगा। तो अभी इसको हम लोगों ने साइंटिफिक फॉर्म में डाला। अब तक हम लोग क्या है जो बाजू वाला चार्ज करता था वैसे या उससे थोड़ा कम चार्ज कर रहे थे ऐसे हम करेंगे हमारी P&L को देखकर तो हमको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस होगा कि ये मेरा चार्ज इतना है रिकवर हो रहा है। इनफैक्ट सो मेनी टाइम्स मेरा एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि हम लोग जो चार्ज करते हैं कभी कभी ये आवरली कॉस्ट उससे भी कम निकलता है तो वो कॉम्पिटिटिव एज रहेगा आपको। अभी मान लो कि ये तो ऑफसेट डिपार्टमेंट हो गया ऐसे नहीं कि आवरली बेसिस पर ही हम लोगों को करना चाहिए हम लोग दूसरे कोई बेसिस पे भी कर सकते हैं। जैसे कि CTP डिपार्टमेंट उदाहरण ले लो CTP डिपार्टमेंट में अंदर जाने वाला मटेरियल क्या है प्लेट है हर एक प्लेट को डायमेंशन होता है वो डायमेंशन स्क्वायर मीटर्स में कर सकते हैं बराबर और जो आउटपुट क्या आता है प्लेट मेकिंग डिपार्टमेंट से वापस हम लोगों को स्क्वायर मीटर के रूप में ही आता है। तो जो कॉस्ट प्लेट मेकिंग डिपार्टमेंट के ऐसे ही हम लोग डालेंगे ये कॉस्ट उनको हम लोग स्क्वायर मीटर से डिवाइड कर सकते हैं। तो परचेस कॉस्ट एक हुआ डायरेक्ट मटेरियल का स्क्वायर मीटर के हिसाब से और ये अदर कॉस्ट हो गया ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपको प्लेट का कॉस्ट आएगा। अब मानेंगे आप ये कॉस्ट निकालेंगे ना तो प्लेट मेकिंग सबसे प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट दिखता है। हम लोग अगर प्लेट को एक नॉर्मल 19-26 का प्लेट को हम लोग 250 या 300 रुपया चार्ज करते होंगे तो वो प्लेट तो बनता है उसको 125 या 130 ऐसा कुछ कॉस्ट आएगा दोनों मिला के डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और अदर कॉस्ट। तो आपको ताज्जुब होगा कभी कभी कि कोई डिपार्टमेंट ज्यादा प्रॉफिट बनाएंगे कोई कम अपने को एंटायर होल देखना है
आगे बढ़ते, ये बेसिक जो है वो सब हो गया अपना। थोड़ा जो लास्ट टाइम हम लोग ने जब भी किया ना, 17 तारीख को एक प्रेजेंटेशन हुआ, वहां पर अनि खांडेकर ने थोड़े प्रेजेंटेशन किए थे, उनके मेरे को कुछ पॉइंट्स उनके मुझे उनके कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे चाहता हूँ यहाँ पर। तो जो हम लोग ने बात की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की, बराबर है, जो डायरेक्ट है वो प्रोडक्शन से जुड़े हैं, इनडायरेक्ट है वो प्रोडक्शन से। इसमें आगे जाके अभी क्या करना चाहिए कि डायरेक्ट कॉस्ट में भी फिक्स्ड कितने हैं और वेरिएबल कितने हैं। अभी डायरेक्ट में फिक्स्ड, उदाहरण एक सैलरी ऑफ सुपरवाइजर है, प्रोडक्शन से तो जुड़ा है बट उसका सैलरी तो फिक्स्ड है, बराबर है, ऐसे हो गया फिक्स्ड भी। और डायरेक्ट वेरिएबल में पेपर इंक वगैरह, और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में फिक्स्ड कौन से हैं और इनडायरेक्ट में वेरिएबल कौन से। इनडायरेक्ट में फिक्स हो सकते हैं रेंट ऑफ द बिल्डिंग, बराबर है, इनडायरेक्ट में वेरिएबल इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अभी लॉकडाउन के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी चालू नहीं तो बिल कुछ नहीं आने वाला है, तो इनडायरेक्ट में वैसे एक्सपेंसेस वेरिएबल हो गए। तो इसमें आगे आप जाएंगे ना, तो ये तरह से अगर आप उसको ब्रेकअप कर सकते हैं तो एक्टिविटी शुरुआत सबसे कॉन्सेंट्रेट कहां पर करना चाहिए अपने को, डायरेक्ट वेरिएबल, क्योंकि ये अपने वश में है, ये अपने कंट्रोल में, ये अपने नियंत्रण में हम ला सकते हैं। तो डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट जो है मोर ऑर लेस सेम रहेंगे, और ये जो है कॉस्ट को इसको ना फिक्स्ड और वेरिएबल में थोड़ा कन्वर्ट करने को ट्राई करो। जैसे कि सुपरवाइजर की सैलरी है उसको थोड़ा सा इंसेंटिव दे दो, थोड़ा फिक्स दे दो, मान लो उसका 20,000-25,000 सैलरी, तो उसको 15,000 फिक्स दे दो, 10,000 इंसेंटिव दे दो, प्रोडक्शन से रिलेट करो 10,000, एंड इसके ऊपर वरी करके होगा नहीं कुछ, क्योंकि ये तो फिक्स्ड थोड़ा सा नेचर से ही रहेगा। इनडायरेक्ट जो कॉस्ट है वो या तो फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो, इस पे क्या होता है, बिजनेस मॉडल अभी क्या हम लोग लेंगे ना अपना लॉकडाउन खुलने के बाद, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं सैलरी में भी थोड़ा फिक्स्ड और वेरिएबल करके, सेल्स वाले स्टाफ वगैरह है ना जिसको इंसेंटिवाइज करके उसमें भी ब्रेकअप कर सकते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल में। सो पहला अपने को जो अटैक करना है वो है डायरेक्ट वेरिएबल को अटैक करना है, वो कैसा करना चाहिए, हाउ टू गो अबाउट दिस। अभी इसमें ना वेस्टेजेस दिया है, देखो राइट हैंड साइड पे लीन में वेस्टेजेस कौन सा है, देखो डिफेक्ट्स का वेस्टेज होता है, ओवर प्रोडक्शन करके भी वेस्टेज हो सकता है, वेटिंग होता है, कोई कोई प्रोसेस के लिए वेट करना पड़ता है वो भी एक वेस्ट है, बिकॉज हमारा टाइम जाता है ना वहां पर, और टाइम इज मनी, टाइम 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 हम लोग ने देखा, टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। टैलेंट जो अच्छा टैलेंट है लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे टैलेंट को प्रॉपरली। ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट में, अभी देखो सप्लाई चेन में क्यों बोल रहा हूँ, सप्लाई चेन इंपॉर्टेंट है ना, अगर माल रेडी हो और वो हमारे ट्रांसपोर्ट से पहुंच नहीं सकता है क्लाइंट को, तो बिल नहीं बन सकते, बिल नहीं बन सकते तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो आगे की खरीद नहीं होगी, वर्किंग कैपिटल साइकिल ब्लॉक हो जाएगा। इन्वेंट्री, एक्सेस इन्वेंट्री नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होना चाहिए। बाकी इवन कभी कभी ऐसा दिखता है कि प्रेस में भी इधर उधर आदमी जाते रहते हैं, उनका मोशन भी कंट्रोल में रहना चाहिए। और एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, मोर वर्क और मोर क्वालिटी, दोनों काम जितना चाहिए उतना ही देना चाहिए, और उसमें जितना उसको क्वालिटी देना चाहिए उतना ही। तो क्वालिटी का डेफिनेशन ऐसा है कि क्वालिटी विच द क्लाइंट डिमांड्स इज क्वालिटी, बहुत ज्यादा सुंदर हुआ तो क्वालिटी ऐसी नहीं है। तो लीन अपने को ये सिखाता है, ये 8 टाइप की वेस्टेजेस कंट्रोल में लाएंगे ना तो काफी कॉस्ट बचता है अपना। और दूसरे जो है डिफेक्ट कंट्रोल है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए डिफेक्ट कंट्रोल है, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश कंट्रोल में, फिनिश गुड्स में, फिर प्रोडक्शन फर्स्ट पास यील्ड, जो वेस्टेज है वो कम जाएगा, फर्स्ट पास में उसको ओके होना चाहिए तो अपना वेस्टेजेस कम होगा। कंडीशन और अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन परफॉर्मेंस, इसके ऊपर भी हम लोग प्रॉपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंसेस करेंगे, ब्रेकेजेस कम होगा तो परफॉर्मेंस ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो अर्ली कॉस्ट कम होगा। ट्रेनिंग, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए सब लोगों को, ट्रेनिंग ना टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी प्रॉपरली देना चाहिए सब ऑपरेटर्स को। और लेबर में देखो इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी पे इम्प्रूव हुआ तो पर आर कॉस्ट पे फर्क पड़ने वाला है। एंड एक्चुअली सुपरवाइजर का भी सिस्टम रहता है बहुत जगहों पे, सुपरवाइजर क्यों लगता है, फ्रेंकली बोलू आपको, जो प्रिंटर है ना वो ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इसके। अगर हम लोग ने उसको प्रॉपर प्रूफ, प्रॉपर कलर डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर डॉकेट में सारा सामान रखा है तो वो सुपरवाइजर क्यों चाहिए, प्रिंटर ओनली वुड बी रिस्पॉन्सिबल, बराबर है। अभी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट इससे जुड़े हैं पोस्ट कोविड, ये लास्ट स्लाइड है, पोस्ट कोविड से जो कॉस्ट जुड़े हैं, देयर विल बी अ राइज इन इनडायरेक्ट कॉस्ट बिकॉज सैनिटाइजेशन है, मास्क है, पीपीई है,
सोशल डिस्टेंसिंग पालना है, सैनिटाइजर्स थ्रू आउट बिल्डिंग रखना है अपने को, दिस विल, बट ये कैसा है, साइज टू साइज कंपनी का है जो वेरी होगा, गाइडलाइंस तो सबको फॉलो करने होंगे, बट साइज के हिसाब से पर मंथ, पर वीक, पर फोर्टनाइटली कॉस्ट कैलकुलेट करके ये अभी एक नया आइटम आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एम्बेड होने वाला है, तो इससे आप इनडायरेक्ट या फिक्स कॉस्ट जो आपके बढ़ने वाले वो हिसाब से आप जो ग्रॉस प्रॉफिट कवरेज परसेंटेज है वो आपका शायद बढ़ेगा, तो 36.25 जो हमने देखा था वो शायद थोड़ा सा ज्यादा होगा। अभी क्या है कि लॉकडाउन के बाद में सिनेरियो ही चेंज होने वाला है, तो शायद जो पास्ट डेटा है ना अपना वो शायद एक बेंचमार्किंग करके यूज होगा, बट उसको हम डेफिनेटली परफेक्ट नहीं मान सकते। हम लोगों को जैसे जैसे बढ़ेगा ना वक्त, 2 महीना 3 महीना, हम लोगों को ये कॉस्ट वापस स्टडी करने पड़ेंगे, यही हम लोग को टेम्पलेट्स में डाल के वापस 2-3 बार, एक बार जून में, एक बार दिवाली से पहले, एक बार दिसंबर के टाइम पे, ये देखते रहने पड़ेगा, और ये जो कॉस्ट है ना अपने को रिवाइज करते रहने पड़ेगा ये साल में, कहीं कहीं जाके मार्च एंड तक ये कॉस्ट स्टेबलाइज होंगे और फिर वो रेशियोज बन सकते हैं। इतना ही मुझे कहना था इसमें, थैंक यू, और जो भी है आपके क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं ले लूंगा। Once again, brilliant Uday, fantastic insight into costings and काफी कुछ सीखने को मिला। रिक्वेस्ट करूंगा बरिंदर सिंह नागी जी को टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड हमें बताएं कि सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद हैं। एंड ऑफ कोर्स उदय तो है ही यहाँ पर, नागी जी मंच आपका। धन्यवाद महुल जी, और आपने मुझे अभी टाइम दिया है, और धन्यवाद चोपड़ा जी का, और अग्रवाल जी बैठे हुए हैं राजस्थान से यहाँ, जिन्होंने अभी अपनी लॉन्च की है एक एसोसिएशन की वेबसाइट। तो मेरे से पहले उदय जी ने बहुत क्लियरली काफी कुछ बता दिया है जो गवर्नमेंट आगे जो फाइनेंशियल सपोर्ट करने जा रही है एमएसएमईज के लिए। आई थिंक उसके ऊपर तो ज्यादा बात करने की अभी जरूरत नहीं है, फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा देन आई विल आंसर। और उसमें जो एक बात आई थिंक उदय जी की शायद रह गई थी, वो जो ईपीएफ की कंट्रीब्यूशन है, अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए और एक्सटेंड हो गई है, तो अप टू अगस्त 2020 तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों की तरफ से वो कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू अपनी तरफ से देती रहेगी। तो ये अभी इसके ऊपर है। बाकी जो मिनिस्ट्री की स्कीम है, जो इससे पहले जो सेशन हुआ था उसमें भी मैंने बताया था, उसमें मेजरली जो आपकी क्रेडिट के ऊपर है वो अभी नहीं, जो कॉमन ने फर्दर उसको फंडिंग की है वो तो है ही है। उसमें इसके अलावा प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग की स्कीम है, डिलेड पेमेंट एक्ट जो एमएसएमई के लिए एक बहुत बड़ी शील्ड है उनकी पेमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो चल रही है। और जो जैसे पहले उदय जी ने बताया था फंड्स ऑफ फंड स्कीम एंड नो ग्लोबल टेंडर अप टू 2200 करोड़, ये है। और इसके अलावा जो एक हमारी इंक्यूबेशन की स्कीम है, उसमें अगर कोई हम नई डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो उसमें हमारे जो एमएसएमईज हैं एज ए इंडिविजुअल और एज ए एमएसएमई यूनिट और उनके साथ जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई है वो आके उसके अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो पर इंक्यूबेटी जो है गवर्नमेंट उनको 15 लाख रुपए तक का सपोर्ट करती है, और उसके लिए जो होस्ट इंस्टीट्यूशन है वो आपका गवर्नमेंट एजेंसी या यूनिवर्सिटी कोई भी हो सकती है, उसको दैट वो उसकी वो डेवलपमेंट के लिए जो मशीनरी रिक्वायर्ड है के लिए भी वो 1.5
करोड़ वो और मेनली एक हमारी जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की जेड सर्टिफिकेशन की स्कीम है, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की सर्टिफिकेशन है, ब्रॉन्ज से लेके ये आपकी डायमंड तक, और उसके ऊपर भी फ्रॉम 60% to 80% कंट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है जो हमारे एमएसएमई हैं। और जो मार्केटिंग की स्कीम है उसमें जो इंडिविजुअल यूनिट है जो विद इन इंडिया पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना साल में दो बार आके अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी एग्जीबिशन में, जिसमें 80% to 100% तक उनके जो स्टॉल चार्जेस हैं वो पे किए जाते हैं, प्लस 1% का जो उसका फेयर है वो दिया जाता है, प्लस उसका जो उसने वहां पे अपना एडवर्टाइजिंग मटेरियल है वो या कुछ अदर चीजें डिस्प्ले करनी है उसको लेके आने जाने का भी जो लगता है उसका भाड़ा वो भी दिया जाता है। तो इस टाइप की बहुत सारी स्कीम है जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर भी है और जिसको मैं अभी इसमें आपके चैट बॉक्स में भी वो डाल दूंगा, वहां पे जाके आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। क्योंकि जो फाइनेंशियल बेसिकली जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो हमारा बेसिकली फाइनेंस के ऊपर ज्यादा है, हमारे एम्प्लॉयज को कैसे हो, हमारी इंडस्ट्री आगे कैसे चले। तो और जो एक लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है उदय जी ने भी बताया भी इसकी हमारी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसको भी हम चेंज की जा रही है, ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है, वी आर वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आती है वो सबको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि उसमें अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट प्लस जो उसकी सेल्स के साथ में कुछ लिंक किया गया था वो थोड़ी सी अभी क्लैरिफाई कर रहे हैं। जैसे ही वो क्लैरिफाई हो जाएगा आई थिंक बाय मंडे और ट्यूसडे ये नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी। तो इसके अलावा अगर और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आई एम हियर टू आंसर। और इससे पहले मुझे एक चोपड़ा जी ने भी एक क्वेश्चन भेजा था कल, किसी मेंबर का था मिस्टर आनंद का, तो उसको भी मैं लेता हूँ क्वेश्चन। इसका ये वो जो क्वेश्चन था आई थिंक इट्स रिगार्डिंग द डिलेड पेमेंट एक्ट, तो उसमें उन्होंने बात की थी भी वो जो 45 डेज वाली पेमेंट की बात है, तो उसमें जो एमएसएमई एक्ट में जो दिया गया है कोई भी आपका मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर जो भी अपना सामान बेचता है बनाता है और सप्लाई करता है उसकी टर्म एंड कंडीशन कुछ भी हो, उसकी पेमेंट की कितने दिन के बाद पेमेंट मिलनी है और उसका टर्म्स क्या रहेंगी, डिस्काउंटिंग क्या रहेगी, वो अलग चीज है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से उसमें 45 डेज का एक पीरियड लिया है। उस पीरियड के दौरान अगर आपने जो मटेरियल किसी को सप्लाई किया है उसका कोई भी ऑब्जेक्शन बायर की तरफ से नहीं आता इन राइटिंग तो यू आर एलिजिबल फॉर द पेमेंट, और अगर वो पेमेंट नहीं देता तो उसके ऊपर जो पेनल इंटरेस्ट है वो 3 times ऑफ द जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस उतना वो उसके ऊपर चार्ज होगा। और उनका आगे क्वेश्चन ये था भी वो जो इंटरेस्ट है वो उनकी इनकम में काउंट होगा या नहीं होगा, तो उसके रिलेटेड ये है भी उनका जो वो जो भी इंटरेस्ट होगा जिसको पेमेंट मिली है उसकी इनकम में तो आएगा, बट अगर
जिसने पेमेंट की है वो उसका बेनिफिट नहीं ले सकता जो इंटरेस्ट पे किया, वो उसका इंटरेस्ट वो अपने बुक्स में उसको बुक नहीं कर पाएगा भी मैंने इतना इंटरेस्ट पे किया। तो यही उसका यही पॉइंट है। कोई और आपकी तरफ से हो तो बताइए। नहीं, वो तो इंटरेस्ट का पॉइंट तो क्लियर है कि जो एक्ट में लिखा हुआ है कि पर्सन हु इज गोइंग टू पे द इंटरेस्ट ही विल नॉट बी एबल टू डिडक्ट फ्रॉम हिज इनकम, बराबर ये लिखा हुआ है। मेरा कहना ये था हु इज द अथॉरिटी टू हुम वी हैव टू अप्रोच टू टेक द एक्शन। I have to approach to MSME, I have to approach the court, whom shall I approach? नागी जी वो पूछ रहे हैं कि who is the authority to whom he has to approach? अभी तो MSME की authority चल ही रही है, सिर्फ अभी उसमें सिर्फ उसी में 45 days का clause डाला है कि क्या है? सर उसमें ऐसा है, उसके लिए एक हमारा समाधान पोर्टल बना हुआ है, samadhan.msme.gov.in करेक्ट, वहां पे जाके आप अपना वो डाल सकते हैं और जो आपका कंसर्न लोकल एरिया डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है। करेक्ट सर, उसमें मैंने आज तक 3 केसेस फाइल करके उसको भी किए मैंने, दैट इज नॉट द इशू। आई हैव फाइल 3 केसेस, आई हैव सक्सेडेड इन दैट। तो अभी सिर्फ सेम एक्ट में 45 डेज इज द अमेंडमेंट और व्हाट? ठीक है सर, मैं बाद में टाइप करके आपको भेज दूंगा जी। हाँ भेज दूंगा, यू कैन प्रोसीड। सर आई वांट टू क्लेरिफाई वन थिंग फ्रॉम नेगी जी दैट सिंस वी आर एमएसएमई और से इन न्यू एक्ट वी मे बी लघु उद्योग हो सकते हैं, हम कुछ भी हो सकते हैं। हम जब कोई काम करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी करते हैं, जहाँ पर पार्टनरशिप फर्म हो, प्रोपराइटरशिप फर्म हो, कंपनी हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट हो, तो ये कौन कौन कंपनी कौन कौन 45 डेज में करने को बाध्य हैं? अभी तक हम सुन रहे थे कि केवल कंपनियों के केस में ये एप्लीकेबल होता है। नहीं, सबके लिए है सर, लेकिन जो आपके पास उद्योग आधार होना मैंडेटरी है, अगर आप रजिस्टर्ड है उद्योग आधार में, आपके पास अपना जो पहले एमएसएमई या एसएसआई रजिस्ट्रेशन होता था उसकी जगह अब उद्योग आधार है, अगर वो आपके पास है तो यू आर एलिजिबल फॉर फ्रॉम द ऑल। तो वी हैव टू गिव नोटिस टू दैट पर्सन, दैट इंस्टीट्यूशन, दैट एजुकेशन, और वी कैन डायरेक्टली गो टू समाधान कोर्ट? नहीं, आप पहले उनको नोटिस दीजिए। और दूसरी मेरी आपसे ये भी एक एडवाइस भी है भी जो आप आपका जो बिल बुक है या जो भी आप ई बिल जनरेट करते हैं या आपका लेटर पैड है, उन सब के ऊपर जैसे जीएसटी नंबर मेंशन करते हैं, आप उद्योग आधार नंबर भी उस पे मेंशन करिए, ताकि जो जिस पार्टी के पास भी जा रहा है आपका वो उसको मालूम पड़े भी आप अंडर एमएसएमई रजिस्टर्ड हो। तो ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो आप कह रहे हैं। अगर फिर भी नहीं देता देन आप नोटिस दीजिए और उसको ये बताते हुए भी मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूं एज पर एमएसएमई एक्ट, मुझे 45 डेज में पेमेंट मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा देन आई विल गो फर्दर इन फॉर द लिटिगेशन। तो उसमें आप फिर आप समाधान पोर्टल में जाएंगे। गवर्नमेंट भी बाउंड है सर 45 डेज में पेमेंट करने के लिए जी। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो बाउंड टू पे मेक पेमेंट इन सर एनीबॉडी। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वी विल टेक दिस सब्जेक्ट, दिस ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सर। एक्चुअली देयर आर समथिंग, जब आप जाते हो ना वहां पर वो करेंगे साबित करो कि आपने माल दिया था और उस बंदे ने माल लिया था। तो मेरी जैसे रागी साहब ने कि हमने अपने मेंबर्स को एक एडवाइस किया हुआ है, दैट्स अ रेलेवेंट पॉइंट। इन योर बिल बुक मेंशन गुड्स रिसीव्ड एज पर द ऑर्डर इन गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, लिख के रखो, ये चीजें प्रूव करनी। ओके मेहुल भाई, यू कैन टेक द क्वेश्चन नाउ। सो श्रीपद कुलकर्णी जी हैज आस्क्ड, इज इट बेटर टू कंटिन्यू टू पे इफ द बिजनेस हैज लिक्विडिटी? इवन इफ यू हैव लिक्विडिटी,
I think you don't spend much, you know, because you can need this at any time of crisis. कोई भी crisis के वक्त पे कोई संकट और कितने संकट आते हैं हम लोगों को पता नहीं है कहाँ पर ले जा सकते हैं क्योंकि lockdown 1, 2, 3, 4 हो गया तो you have to keep the liquidity intact. अगर है तो ज्यादा spend करने की जरूरत नहीं है और ऐसे critical vendor को या किसी को payment करना पड़ा तो discounts अवश्य लें. Then the time we invest in traditional, this time we can be invest in traditional printing business. Vikas Agarwal ji puchte hai. Abhi time naya investment mein karne jaisa hai nahi. Or wait for changes. Yes, I would say you wait for some innovations to happen. Or you may innovate something. How will account status, how account status will affect the opt-in for EMI? Now, wo to eligibility level hi hai na. Account status is the eligibility level. Iske liye maine aapko samjhaya. स्टैंडर्ड अकाउंट क्या है एसएमए 0, 1, 2 वो एलिजिबिलिटी लेवल में ही डिफाइन होगा जब ये गाइडलाइंस आएगी अभी प्रॉपर गाइडलाइंस आई नहीं है ये गाइडलाइंस में ही डिफाइन होगी. हाय उदय विवेक टिब्रेवाल राइट्स अंडर द ईसीएलजीसी स्कीम इफ माय करंट फंडिंग इज फ्रॉम एनबीएफसी कैन आई स्टिल अप्रोच माय एग्जिस्टिंग बैंक फॉर द एडिशनल फंडिंग और हैव टू अप्रोच एनबीएफसी ओनली इंटरेस्ट रेट्स मच लोअर. आई think you can cross banking abhi existing bank aapka main assume karta hu nationalized bank hoga to I think cross bank allow hoga but Vivek guidelines puri aayi nahi hai ye moment pe to main is pe aapko abhi nahi bata sakta but as soon as I receive something Vivek I'll connect with you. RBI governor just announced repo rate reduced by 40 basis points. अब वही है ना कि बिकॉज नाउ आरबीआई इज गिविंग मोर लिक्विडिटी इन द हैंड्स ऑफ आवर बैंकर्स एंड वी नीड टू हम लोगों को बैंक को परसू करना पड़ेगा अपने को देने के लिए कोई आके सम प्राइवेट बैंक्स एंड दिस आई हैव हर्ड दैट दे हैव स्टार्टेड कॉलिंग देयर क्लाइंट्स एंड आस्किंग देम अप्रोचिंग देम बट अभी जो कॉल कर रहा है शायद कॉल सेंटर से हो या उनको बराबर गाइडलाइंस मालूम नहीं है इंफॉर्मेशन आदि है बट जो प्रोग्रेसिव बैंकर्स नहीं है वो आपके पास आएंगे नहीं आपको अप्रोच करना पड़ेगा. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप लिखना चालू कर दीजिए बैंक को ये जो फ्लैशर्स है ना ये लिखना चालू कर दीजिए. आपके पास आत्मनिर्भर भारत का ब्रोशर होगा तो उसमें से ये जो स्कीम आपको सूट होती है वो स्कीम का आप फ्लैश ये करके आपके बैंक्स को बताएं और आपके बैंक्स को ये बताएं कि हम इंटरेस्टेड हैं गाइडलाइंस आने पर हमको बताया जाए कि कौन से पेपर्स देने हैं. जितेंद्र सोनगिरे इज इट एप्लीकेबल टू एग्जिस्टिंग सीजीटीएमएस लोन्स लिंक टू रेपो रेट आई डोंट नो एट दिस स्टेज आर यू आस्किंग अबाउट दैट सीजीटीएसएमई ऑफ 2 crores विच इज देयर. आई थिंक नागी साहब विल बी बेटर पर्सन टू टेल ऑन दिस लेटर. इफ अ यूनिट अरुण शर्मा इफ अ यूनिट एनपीए फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर बट अंटिल इज रनिंग एनी फैसिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट टू स्टॉप एक्शन. नहीं इनके लिए ही है दूसरा जो बनाया है ना स्कीम 20,000 करोड़ रुपए का. ये एनपीएस जो है एनपीए और फंक्शनिंग एनपीए यूनिट एंड फंक्शनिंग इज द क्राइटेरिया सो एलिजिबल क्राइटेरिया में आता है. देयर इज वन मिस्टर अंकुल नानावटी ही इज आस्किंग उदय मोस्ट बैंक्स आर वेरी ऑफ लेंडिंग एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस इफ बैंक्स डू नॉट ऑफर व्हाट द गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड डू वी हैव अ रिकोर्स टू चैलेंज द बैंकर. Yeah, I think we should have some redressal, but we have to start making the bank. We have to start informing the bank about these schemes and start from now. Redressal kya hoga wo dekhna chahiye. Right now, I don't have knowledge about what would be the redressal. Nagi saab, if Nagi saab could throw some light, I'm not aware. I mean, he wants to say, hey, look. But I have seen some private bankers also started calling. So that's what it depends on the banker, you know, whether how enthusiastic he is. But whether the bank is enthusiastic or not, we are in need. If we are in need, we will have to pursue. That is what I would say. And koi na koi solution niklega. If I get some solution, I will pass it on to Ankul. Gaurav Khandekar is asking something. Sir, what should be the payment mode for lockdown period? Yes, at present, we have given 50%, but my question is the 50%, do we have to give them when we are on track later? Now, time will tell. Nobody has answer to this. Our basic subsistence we have given, that is enough. 50% is enough right now. Liquidity maintain kare rao abhi. Abhi dene ko zarurat nahi.
काफी सारे एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, कुछ इंटरिम रिलीफ आया है, अभी तो वो विड्रॉ भी हो गया है डीएमए का from Hyderabad, Pragati Gita Press. Yes, this is basically his concern is that now the banks, he's a printer of stationery for the banks. Banks ke liye wo kafi kaam karte hain stationery ka. And ab ye sari banko ne, government banko ne online tender mangana shuru kar diya hai aur bade bade printer ab wo kaam karna chalu kar diya hai. To wo ye pooch rahe hain ki hamare jaise chote printer ka kya hoga. ये मैं इसका आंसर देता हूँ. जस्ट नाउ आई रिसीव्ड ए व्हाट्सएप. आनंद बाजार पत्रिका हैज लेड ऑफ 26 जो आरएपी के स्टूडेंट थे, आनंद बाजार पत्रिका ने ले ऑफ कर दिया. उनकी 8-10 साल की सर्विस है, क्योंकि न्यूज़पेपर में काम कम हो रहा है, जैसे सुबह कहा था. अभी जैसे इनका जो सवाल है, बेसिकली वी हैव टू चेंज, ये तो होना ही होना है. बड़े हाथों में काम जाएगा तो हम लोगों को कुछ अलग ही करना पड़ेगा. और देखो ना, ये अभी मेरे पास आया मैसेज कि 8-10 स्टूडेंट है एबीपीए ने उनको फोर्स किया रिजाइन करने को. ये आज की बात है. बेसिकली न्यूज़पेपर डजंट हैव द वर्क, और न्यूज़पेपर क्या करेगा, वो कमर्शियल काम करेगा. तो जो कमर्शियल काम कर रहे हैं वो क्या करेंगे, वो छोटे वाले का काम करेगा. धीरे धीरे सफरर विल बी माइक्रो एंड स्मॉल. आई एम टेलिंग यू राइट सो मेनी डेज. स्मॉल और माइक्रो के लिए एक ही रास्ता, या तो मिलके बड़े बन जाओ, बड़ा काम करो, और या फिर ये है कि अलग करो. नागी साहब, मैं इसमें एक ऐड करना चाह रहा हूं. जितने भी गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं उनको चाहिए जैम पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराएं, गवर्नमेंट ई पोर्टल पे. और इसमें ये और एक बात करना चाह रहा हूं, इसमें 24% जो परचेज है वो माइक्रो स्मॉल से लेने के लिए वो बाध्य है, उनको लेना पड़ेगा. तो ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें के लिए आप ध्यान रखिए. और जैम के ऊपर सब जो गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं उनको बोलिए और रजिस्टर कराएं अपने आप को. एक अमाम गुप्ता जी का है, इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग एमएसएमई स्कीम्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन, बैंक्स वर आस्किंग फॉर द स्टॉक स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड दे टर्न्ड द लिमिट टू जीरो. हाउ कैन वी गो टू द अदर बैंक्स आल्सो टू गेट बेनिफिट ऑफ द एमएसएमई स्कीम्स? नहीं, कंप्लायंस बिल्कुल अभी लॉकडाउन पीरियड के टाइम पे नहीं किया तो चलने वाला है. और ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन में है, लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग कंप्लायंस कैसे कर सकते हैं? वी कांट डू इट. उस पे स्पेशल परमिशन है, दे कैन अप्रोच देयर बैंक एंड टेल देम. और ये जो है आरबीआई सर्कुलर डेटेड 27 मार्च, ना उस टाइम पे गाइडलाइंस में है कि ये जो कंप्लायंस है, जैसे कि स्टॉक स्टेटमेंट, डेटर स्टेटमेंट वगैरह सबमिट करना पड़ता है, वो नहीं कर सकते. लास्ट स्टेटमेंट वॉट एवर वॉज सबमिटेड एट द एंड ऑफ फेब्रुवरी और मार्च का जो भी 20th तक वगैरह, दैट इज सपोज्ड बी फाइनल फॉर द टाइम बी टिल द लॉकडाउन इज लिफ्टेड एंड रेगुलर बिजनेस इज ऑन. सो अमन दास, अमन यू वांट टू से समथिंग? अमन जी, मेरा ना अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में. हां बोलिए ना सर. बैंक में एसबीआई में अकाउंट है. वो अभी जैसे जस्ट लॉकडाउन शुरू ही हुआ था उसी वक्त उन्होंने वो स्टेटमेंट मांगी है. अभी काम तो चल ही रहा है ऑलरेडी. सो दे वर आस्किंग फॉर स्टॉक स्टेटमेंट एंड ऑल. हाँ, रिकॉर्ड में है सारा. मेरे पास 3 लेटर आ गए हैं लॉकडाउन के दौरान. वो कहते हैं कि एक तो ये बताइए कि आपका आगे फ्यूचर प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हो, आपकी लिमिट कितना आ जाए, ऐसे ऐसे. समझ गया मेरे को अमन जी समझ गया. क्या है, एसबीआई जैसी प्रोग्रेसिव बैंक जो हमेशा लीडर रही है, आरबीआई का नोटिफिकेशन जो भी मॉनिटरी मेजर्स जब भी आते हैं, जो आरबीआई रिलीज करती है वो होते हैं मॉनेटरी मेजर्स, और जो गवर्नमेंट रिलीज करते हैं वो फिस्कल मेजर्स. फिस्कल मेजर्स को बाद में कैबिनेट अप्रूवल लगता है, लेकिन आरबीआई जब भी मॉनेटरी मेजर्स रिलीज करती है, पहला बैंक जो पिकअप करता है वो है स्टेट बैंक, और स्टेट बैंक के आधार पे बाकी बैंक्स करती है. स्टेट बैंक ऐसा रवैया दिखा रहा है, आई एम रियली मिसिंग सरप्राइज्ड. आई थिंक योर एसोसिएशन शुड राइट टू स्टेट बैंक, योर बैंक, विद रेलेवेंट सर्कुलर ऑफ 27th मार्च. दे कैनॉट डू दिस. अलोक जैन जी का दो सवाल है एक, व्हाट इज द लीगल पोजीशन फॉर न्यूज़पेपर इंडस्ट्री ऑफरिंग टू डू द कमर्शियल प्रिंटिंग ऑन जॉब वर्क बेसिस? दे कैन डू सर एज पर प्रेस एक्ट एंड दे कैन डू इट दे आर रजिस्टर्ड अंडर द प्रेस एक्ट एज वी आर रजिस्टर्ड सो दे कैन डू एनी जॉब देयर इज नो नोबडी कैन स्टॉप देम इवन दे कैन मेक द बॉक्सेस.
they can do anything. It is the Press Act 1836, which clearly indicate. You are also got the same registration. They have also called the same registration. So, second one. His second question of Alok Jain is also social and moral position regarding newspaper industry offering job work printing. What is their social and moral position? Moral? This is every, I think every printer will have to take that social. They say there can't be any social and moral responsibility. They are, everybody is there. As you know, I always remember the word of Narendra Bhai from Pragati Offset. We are working to earn money. So everybody is ready for to earn the money. So they are also to earn the money. How they can go on losses? If they are everybody is a businessman, sir. Everybody is a businessman. Yeah, that's what. सर आपने आलोक जी आपने पूछा है कि उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट. अभी आपका कोई क्लाइंट हो जिनको कुछ काम हो, सम पार्ट ऑफ इट मे बी स्क्रीन प्रिंटिंग आल्सो, देन स्क्रीन प्रिंटर विल से व्हाई आलोक जी इज डूइंग स्क्रीन प्रिंटिंग ऑन. यू सी यू कैन नॉट, इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ वन होल थिंग. तो यही है कि जैसे भाई कह रहे थे, गवर्नमेंट कुछ नहीं देती, हमें खुद अपना ही करना पड़ता है. तो वी हैव टू डू इट आवरसेल्फ. और अपने आप को सुधारिए. सबसे अच्छी बात यही है कि अपने आप को चेंज कीजिए. एक बड़ी उदय बड़ी चीज सही है, जब आप चेंज के साथ चेंज नहीं होते तो पीछे रह जाओगे. बराबर. तो आपको तो चेंज तो करना ही पड़ेगा. और कंपटीशन, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते. या सो थैंक यू वेरी मच सर मेहल भाई. एंड थैंक यू सर. थैंक यू. उदय भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सबको गाइड किया. फिर दोबारा तंग करेंगे. वेलकम वेलकम. सो ओके बाकी नागी साहब, through you I want to convey my thanks to Gadkari ji. Thank you to Canada. Gadkari ji, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप आए. Thank you so much for sparing your valuable time. And Uday, you as thank well. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So, the President, Mumbai Mudrak Sangh, Mr. Tushar Dhote is with us. Tushar bhai. It is a very nice initiative that the OPA is taking since last 2 months. I'm very glad and very happy to see that the OPA and especially Kamal ji has taken a lot of pains for the last 2 months and taken up webinars which are affecting and daily lives of printers. It is very educative as well as informative, all these sessions that you have done. We are really glad that a person like you at the age of 70 also is so active. We are jealous of you. But this is a 70? Nice forum. He's 70. I thought he's just 70. 60. And I pray to God that he has a long, long life ahead of him so that he guides us all. And we should actually, I talked to Kamalji that collaboration makes better use of the presentation panels and the platforms that we are sharing. So it, I hope in future also we should collaborate. All other associations also to do same. South mein, North mein, East mein, West mein, and come out with programs that are useful and beneficial for printers. This is going to be a very nice digital platform in future also. And I thank again once OPA for having collaborated for this particular presentation with the MMS. Thank you so much, Kamalji. Thank you, Tushar bhai. It's your idea. It was your idea. So a joint effort always is better. So definitely we are here, and definitely not true. And now we have with us the Jaipur Association also, that Rajasthan Association also. So President is also there. So thank you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया. Yes, sir. आप सब लोगों को आपने ऐसा platform दिया हमारे Rajasthan के लोगों. वो प्रिंटर्स को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया विच वॉज नेवर पॉसिबल एट सच ए स्टेज इन कॉम्पिटिटिव मैनर. मैं हमेशा आपके साथ है सर. और थैंक यू सर. थैंक यू मोहन भाई. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. फिर मिलेंगे. फिर yes, करेंगे दोबारा करते. यस यस. ओके सर. बाय बाय. सी यू. बाय बाय सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू पार्टिसिपेंट्स.